हम लोग देखते हैं कि रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन कैसा होता है। रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन ये जो होता है इस प्रकार से होता है, पी एक्स बाय क्यू एक्स, समझ गए, जहां पर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और पी एक्स क्यू एक्स ये दोनों ही पोलिनोमियल होता है इन एक्स। क्या बोले बाबू कि रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन का क्या फॉर्मेट होता है? तो फॉर्मेट होता है पी एक्स बाय क्यू एक्स, जहां पर क्यू एक्स आपका जीरो के बराबर नहीं होगा और पी एक्स और क्यू एक्स ये आपका पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल किसमें होता है? ये होता है एक्स में। और यदि जो है इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री का मतलब आपका पावर हो गया, घात हो गया, जो एक्स का पावर होता है, यदि ऊपर वाला जो पी एक्स है यदि इसमें एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वह नीचे वाला जो क्यू एक्स है जो आपका डिनोमिनेटर में है यदि इसका आपका जो पावर है जो डिग्री यदि कम रहता है, समझ गए, यानी कि आपका न्यूमेरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होता है, देन पी एक्स बाय क्यू एक्स को हम लोग कहते हैं प्रॉपर रेशनल प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और इफ डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए डिग्री ऑफ क्यू एक्स का, देन पी एक्स बाय क्यू एक्स को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, समझ गए। तो जब आपका इम्प्रॉपर वाला केस रहे, यानी कि जो आपका न्यूमेरेटर है यानी कि जो ऊपर वाला है यदि उसका डिग्री ज्यादा हो जाए तो आप पार्शियल फ्रैक्शन पे डायरेक्ट इसे नहीं तोड़ सकते हैं, वैसे केस में हम लोगों को भाग देना पड़ता है, समझ गए, भाग देना पड़ता है। इन दिस केस वी डिवाइड पी एक्स बाय क्यू एक्स। इस केस में हम लोग जो है पी एक्स को किससे भाग देते हैं? क्यू एक्स। लेट पी एक्स बाय क्यू एक्स बराबर आपका क्या हो गया? तो आपका एक नया फंक्शन यहां पर एफ एक्स हो गया प्लस पी वन एक्स बाय आपका हो गया क्यू एक्स। और अब यहां पर जो पी वन एक्स है इसका डिग्री क्यू एक्स के डिग्री से कम है। डिग्री ऑफ पी वन एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। पी वन एक्स का जो डिग्री है वो आपका क्यू एक्स के डिग्री से कम होगा, तब फिर जो है कि आपका तो पी वन एक्स बाय क्यू वन एक्स, तब इस केस में इसे क्या कहिएगा? तो इस केस में कहिएगा इसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन, तब ये आपका हो जाएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और तब फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन इस पे लगा सकते हैं।
समझ गए बच्चों? तो ये आपका थोड़ा सा थ्योरी था, कुछ और भी थ्योरी है, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, तब मैं और आपको बताऊंगा। अब देखिए, अब हम लोग जो है पढ़ते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का फैक्टर किस रूप में रहेगा, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार से उसका करेंगे। तो यहां पर आपका हो गया डिनोमिनेटर। हाँ, डिनोमिनेटर, मैं इसको मिटा कर फिर से लिख देता हूं, ठीक है, मैं इसे मिटा कर फिर से लिख देता हूं, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर का क्या फॉर्मेट आएगा ताकि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन उसको तोड़ सकते हैं। तो मेनली आपका चार प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, तो एक होता है आपका लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, समझ गए, लीनियर और आपका हो गया नॉन रिपीटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, मान लीजिए कि आपका है px प्लस q बाय, समझ गए, px प्लस q बाय, आप इसे लिख सकते हैं x माइनस b। तो इसको आप कैसे तोड़िएगा, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताया, इसको तोड़ने का तरीका होता है a बाय x माइनस a प्लस बी बाय एक्स माइनस पी। और भी यदि मान लीजिए कि यहां पर एक और भी फैक्टर रहेगा तो यहां पर एक और आपका टूट जाएगा। तो देखिए, मैं यहां पर क्या बोल रहा था, मैं यहां पर बोल रहा था कि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाला है उसका फैक्टर, तो देख लीजिए लीनियर नॉन रिपीटेड है यानी कि एक्स का पावर एक है और रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि ये अलग है ये अलग है, रिपीट नहीं हुआ। आपका दूसरा फॉर्मेट हो सकता है इस प्रकार से, लीनियर एंड रिपीटेड यानी कि पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए, ये आपका है लीनियर, नीचे जो है आपके लीनियर है, एक्स का एक ही पावर है लेकिन पूरे पे पावर कितना है, दो, यानी कि रिपीट कर रहा है। ऐसे केस में आपको क्या लेना है, तो आपको लेना है a बाय x माइनस a प्लस b बाय x माइनस a का स्क्वायर। और बाबू यदि यहां पर तीन पावर रहता सपोज कि, तो यहां पर आप क्या लिख देते कि c बाय x माइनस c का या x माइनस a का होल क्यूब। यदि चार पावर रहेगा तो आप चार पावर तक लिखिएगा। कहने का मतलब है कि जितना पावर रहता है आप एक पावर से शुरू होकर उतना पावर तक लिखते हैं। दो पावर है तो पहले एक पावर फिर दो पावर, तीन पावर रहेगा पहले एक पावर फिर दो पावर फिर तीन पावर, इसी तरह से आपको बढ़ते जाना। फिर इसका क्या फॉर्मेट होता है, तो फिर होता है आपका क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड यानी कि द्विघात रहता है और रिपीट नहीं करता है, इस तरह से फॉर्मेट रहेगा पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रहे कि क्वाड्रेटिक में आपका क्या है कि इसका आप फिर से फैक्टर नहीं कर पाइएगा। इस प्रोसेस को अप्लाई करने में एक आपको विशेष ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यह आपका फैक्टर में नहीं हो, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, यानी कि इसको आप फिर से समझ गए, इसको आप फिर से आप इसका फैक्टर नहीं बना पाइएगा। तब इस केस में आप कैसे तोड़िएगा, तो इस केस में आपका तोड़ने का तरीका हो जाएगा a बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक चीज मान लीजिए क्या कि इसके साथ में एक और है, वो आपका क्या है x माइनस a, समझ गए। एक और मान लीजिए कि इसके साथ फैक्टर है जो कि आपका लीनियर है, तो इसको क्या कीजिएगा, तो इसको तोड़ने का तरीका है जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक रहेगा ना, तो क्वाड्रेटिक के लिए यहां पर ए एक्स प्लस बी आपको लगा देना है, ठीक। क्वाड्रेटिक रहेगा तो ए एक्स प्लस आप क्या लगा दीजिएगा बी, और ये भाई साहब आपका लीनियर है तो इसको तोड़ दीजिए सी बाय एक्स माइनस ए पर, समझिए क्या बोले बाबू। तो यदि आपका नीचे क्वाड्रेटिक रहे द्विघात रहे तो ऊपर आपका दो कांस्टेंट हो जाता है, एक कांस्टेंट में आपका एक्स से गुना हो जाता है, ठीक। इसी तरह से यदि मान लीजिए रिपीट करेगा तब क्या हो जाएगा, नंबर फोर क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, समझ गए, दिखेगा यहां पर मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, पी एक्स प्लस क्यू बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पे पावर मान लीजिए आपका दो रहे, यहां तक तो दिख गया है। तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा, तो ऐसे केस में मैं आपको बताता हूं, ए एक्स प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक बार बिना पावर के ले लिए, फिर अब लिख लीजिए सी एक्स प्लस डी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, समझ गए बाबू। यानी कि फॉर्मूला आपका यही वाला लगा, इसमें क्या था कि एक बार आपका एक पावर लिए, फिर दो पावर लिए, और रहता तो तीन पावर ले लेते, यहां पर भी वही बात है, नीचे आप एक पावर लिए फिर दो पावर लिए, सपोज यहां पर तीन पावर रहता तो यहां आप एक और पावर ले लेते, तो ऊपर का फॉर्मेट आपका बदल जाता है क्वाड्रेटिक रहने पे, इसमें दो कांस्टेंट आता है और एक कांस्टेंट के साथ में आपको एक्स देना पड़ता है। तो यही मेनली चार फॉर्मेट है जिसपे कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस इंटीग्रेशन को बनाएंगे बच्चों। तो मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते हैं, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री है और इस चीज को हम लोगों को इंट्रीगेट करना है। तो देखिए बच्चों, आपका जो डिनोमिनेटर है इसमें देखिए तो एक्स का एक पावर एक पावर एक पावर यानी कि लिनियर है, तो आपको क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ऊपर जो है एक्स का पावर कितना है, एक्स का पावर दो है, और नीचे हर जगह से x का पावर आप ले लीजिए, जैसे यहां पर एक पावर एक पावर एक पावर, तो नीचे एक 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 मिलके कितना पावर हो गया, तीन पावर। ऊपर है दो पावर नीचे है तीन पावर, यानी कि ऊपर का डिग्री यानी कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम है, यह आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो आप इसमें अब अप्लाई कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन में देखिएगा ये तीनों आपका लीनियर है, तो क्या तरीका होगा पुट करने का, तो इस प्रकार से कीजिएगा, पुट एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री बराबर ए बाय एक्स प्लस वन प्लस बी बाय एक्स प्लस टू प्लस सी बाय एक्स प्लस थ्री। फिर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यानी कि दैट इज एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री बराबर, आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एलसीएम आ गया,
इससे भाग दीजिएगा, ये कैंसिल, ये दोनों बच जाएगा, यानी कि a इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इससे भाग दीजिएगा ये कैंसिल, तो b इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री, इसी तरह से c इंटू, इससे भाग दीजिएगा कैंसिल, x प्लस वन एक्स प्लस टू हो जाएगा, c इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू हो गया। और बच्चों ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बच गया देखिए, तो इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो गया a इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री, c इंटू एक्स प्लस वन और x प्लस टू। और इतना आने के बाद में आप क्या कीजिए, तो आप इसको मान लीजिए वन, और अब जो है a के नीचे जो भी है ना आप उसको जीरो पुट दीजिए, यानी कि पुट x प्लस वन बराबर जीरो, दैट इज x बराबर कितना आपका हो गया माइनस वन। देख लीजिए x बराबर माइनस वन तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखूंगा, तो माइनस वन का स्क्वायर आपका वन बराबर a, बाबू देखिए यहां पर x के जगह माइनस वन, तो माइनस वन प्लस टू वन, x के जगह माइनस वन, माइनस वन प्लस थ्री टू, प्लस देख लीजिए x प्लस वन आपका जीरो है तो पूरा खत्म हो जाएगा, x प्लस वन आपका जीरो है तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि अब कुछ नहीं बचेगा। कहने का मतलब है कि आपको क्या मिल गया, टू बी टू ए, बी नहीं बल्कि टू ए बराबर वन, दैट इज ए बराबर वन बाय टू, समझिए आप a का मान निकाल लिए। इसी तरह से b और c का आपको मान निकालना है, हम लोग निकालते हैं, पुट कीजिए, पुट x प्लस टू बराबर जीरो, x प्लस टू बराबर जीरो, दैट इज x बराबर माइनस टू इन किसमें, वन इन वन, यहां पर भी लिख दीजिए इन वन। तो देखिए बाबू यहां पर आप क्या रखिएगा, माइनस टू का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा फोर, x प्लस टू जीरो है खत्म हो जाएगा, यहां पर आपका बचेगा तो b और माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन, और माइनस टू प्लस थ्री तो आपका हो गया वन, और x प्लस टू जीरो है आपका खत्म हो गया। कहने का मतलब है इक्वल टू आपका कितना हो गया, तो बाबू इक्वल टू आपका हो गया माइनस बी, दैट इज बी बराबर आपका हो गया माइनस फोर, समझिए बच्चों बी बराबर आपका हो गया माइनस फोर। और फिर आप वही कीजिए काम, किसमें कीजिएगा, तो अब आपको सी वाला पुट करना है, समझ गए, यानी कि आप यहीं पर रख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इसी जगह पे कर लीजिए इसको, पुट x प्लस थ्री बराबर जीरो, दैट इज x बराबर माइनस थ्री इन वन, तो माइनस थ्री का स्क्वायर कितना जी नाइन, इक्वल टू x प्लस थ्री जीरो खत्म हो गया, x प्लस थ्री जीरो खत्म हो गया, यहां पर बचेगा c, यहां पे माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस टू, और माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस वन, यानी कि माइनस भी माइनस प्लस हो गया टू सी, बी नहीं बल्कि टू सी, दैट इज तो c बराबर हो गया नाइन बाय टू। इस प्रकार से a b c तीन आपका अननोन क्वांटिटी था और तीनों का आपने वैल्यू निकाल दिया। अब क्या कीजिए, लिखेगा देयरफोर x स्क्वायर बाय x प्लस वन x प्लस टू x प्लस थ्री बराबर क्या हो गया, a a के जगह पे वन बाय टू है, यानी कि वन बाय टू x प्लस वन प्लस बी, बी के जगह पे माइनस फोर है तो यहां माइनस कर दीजिए, माइनस फोर बाय एक्स प्लस टू प्लस सी, सी के जगह पे नाइन बाय टू है, यानी कि नाइन बाय टू और साथ में आपका हो गया एक्स प्लस थ्री, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या किए कि यहां पर नीचे कई सारा फैक्टर दिया हुआ था, नहीं दिखा ना, नहीं देखा, अच्छा बाबू यहाँ पे मैं मिटा कर लिख देता हूँ,
दिखा नहीं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके ले लेता हूँ, तब दिखेगा। ये तो दिख रहा है, ठीक है। तो आपका माइनस में कितना बोला था, बी आपका है 4, तो 4 बाय एक्स प्लस 2, हाँ दिख रहा है। फिर ये आपका 9 बाय 2 है, प्लस 9 बाय 2, और यहाँ पर है आपका एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स प्लस 3 इस पर दिख गया, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पर कई सारा फैक्टर था, और उस चीज को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़कर हम लोग अलग अलग फैक्टर लेते आए। और अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। कैसे आसान है देखिए, therefore i बराबर क्या हो गया, ये पूरा चीज इस पूरे के जगह पे आप इसको लिखिए, यानी कि 1 by 2 x plus 1 minus 4 by x plus 2 plus 9 by 2 x plus 3, और आपका हो गया dx। आप जानते हैं कि 1 by x dx बराबर कितना होता है, आपका log x होता है। तो i बराबर 1 by 2 कांस्टेंट बाहर, log x यानी कि x plus 1 minus 4 1 by x यानी कि log x plus 2 plus 9 by 2 log x plus 3, और प्लस आपका हो गया सम कांस्टेंट c। यही आपका आंसर होना चाहिए। मैं देख लेता हूं, या हो सकता है कि 1 by 2 को ये बाहर ले लिया होगा, मैं एक बार मिला लेता हूं। तो ठीक है बच्चों, यही आंसर है, बिल्कुल 1 by 2 को कॉमन ले लिया है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग बनाते हैं x square plus 1 by x into x square minus 1, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो बाबू सबसे पहले देखिए कि आपका प्रॉपर ये आपका रैशनल फंक्शन है भी या नहीं है, और क्या है चेक करने का तरीका। तो ऊपर आपका मैक्सिमम पावर 2 है, वेरी गुड। नीचे यहां पर 2 और यहां पर 1, 2 और 1 मिलके 3 पावर, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, वेरी गुड। यह आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और अब देखेंगे किस फॉर्मेट में, तो यहां पर देखिए x पे 1 पावर है, लीनियर है। यहां पर x पे 2 पावर है, तो आप कहेगा सर क्वाड्रेटिक है, मैं बोलूंगा बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, x पे 2 पावर है, 2 पावर होता है क्वाड्रेटिक। लेकिन प्यारे बच्चों आपको क्वाड्रेटिक का तब तक फॉर्मूला नहीं लगाना है जो मैं फॉर्मेट लिखा था ना क्वाड्रेटिक का, तो आपको ध्यान में रखना है क्वाड्रेटिक का तब तक फॉर्मूला नहीं लगाइएगा जब तक कि उसका इसका फैक्टर जो है नहीं बने। जैसे यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखकर इसको फैक्टर में ला सकते हैं और वह लीनियर में आ जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला नहीं लगाइएगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, i बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x, x माइनस 1 x प्लस 1, और आपका हो गया dx। अब देख लीजिए कि सब का सब लीनियर हो गया। अब आपको लीनियर का फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाइएगा मैं आपको बताता हूं। पुट x स्क्वायर प्लस 1 बाय x इंटू x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर a बाय x प्लस बी बाय एक्स माइनस 1 प्लस सी बाय एक्स प्लस 1, समझ गए। अब फिर इसको जो है ना एलसीएम ले लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर, एलसीएम ले लीजिए एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये खत्म, ये दोनों आ जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1 प्लस बी x माइनस 1 खत्म, x इंटू x प्लस 1 x इंटू x प्लस 1 प्लस सी x प्लस 1 खत्म, तो आपका क्या बचेगा x इंटू x माइनस 1 बचेगा, समझ गए बाबू। और अब देखिए तो अब ये और ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, कट के बर्बाद हो गया।
तो क्या बच गया बाबू? तो आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर ए, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, प्लस बी एक्स एक्स प्लस वन, प्लस सी एक्स एक्स माइनस वन, और इसे आप वन कूटिए। ठीक है, अब क्या कीजिए कि सबसे पहला तरीका है कि ए के बट्टे वाले को जीरो कीजिए, फिर बी के बट्टे वाले को जीरो कीजिए, फिर सी के बट्टे वाले को जीरो कीजिए। तो ए के नीचे एक्स है, पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन वन, तो क्या मिल जाएगा बाबू? जीरो के स्क्वायर जीरो, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पर आपका ए जीरो रखेगा तो माइनस वन, जीरो रखेगा तो प्लस वन, ये जीरो रखेगा खत्म, ये जीरो रखेगा खत्म, यानी कि माइनस ए हो गया, दैट इज ए बराबर आपका हो गया माइनस वन। ठीक है, अब फिर पुट कीजिए एक्स माइनस वन बराबर जीरो, पुट एक्स माइनस वन बराबर जीरो, दैट इज एक्स बराबर वन इन वन, तो एक का स्क्वायर एक और एक एक मिलकर दो बराबर एक्स माइनस वन जीरो, एक खत्म हो जाएगा, ये बचेगा बी एक्स के जगह पे वन और x प्लस वन, तो यहां पर वन रखिएगा, वन वन टू, ये आपका टू हो गया, ये तो खत्म ही हो जाएगा जीरो, यानी कि टू बी, तो b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर आपका हो गया वन। ठीक है बच्चों, फिर यहां पर पुट कीजिए, क्या पुट कीजिएगा आप? c के नीचे वाला, यानी कि पुट x प्लस वन बराबर जीरो, दैट इज x बराबर माइनस वन इन वन। तो प्यारे बच्चों, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, एक्स प्लस वन जीरो खत्म, एक्स प्लस वन जीरो खत्म, यहां पर रख लीजिए सी, एक्स के जगह पे माइनस वन और माइनस वन माइनस वन आपका हो गया माइनस टू, यानी कि दो एक कम दो टू सी हो गया, तो सी बराबर आपका कितना हो गया वन। इस प्रकार से हम लोग ए बी सी का मान निकाल दिए, और अब इसको आप यहां पर लिखिएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बराबर ए, ए आपका क्या आया है, तो ए आया है माइनस वन, माइनस वन बाय एक्स, दिख रहा है ना, दिख रहा है अच्छा, मैं ब्लैक से लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा दिखता है ब्लैक से, और बी, बी के जगह पे वन आया है प्लस वन बाय एक्स माइनस वन, सी, सी के जगह पे वन आया है वन बाय एक्स प्लस वन, तो बाबू देयरफॉर आई बराबर इस पूरे के जगह पे क्या लिखिएगा, तो माइनस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन प्लस वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स, और वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो आई बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन, और ले लीजिए आप कॉन्स्टेंट, ले लीजिए क्या ले लीजिएगा, कॉन्स्टेंट सी, तो फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, लॉग एम इंटू एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम बाय एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, इसीलिए बाबू i बराबर क्या हो जाएगा log, ये जोड़ में है तो गुना में हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और ये माइनस में तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बटे में आपका x प्लस सी, यानी कि i बराबर log x स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स प्लस हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए बच्चों, यही आपका हो गया आंसर, मैं मिला लेता हूं, तो ठीक है, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आइए अब हम लोग बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स। तो बाबू सबसे पहले आपको चेक करना है पावर का, देख लीजिए ऊपर आपका मैक्सिमम पावर है दो और नीचे मैक्सिमम पावर है तीन, तो चलिए बिल्कुल आपका जो है
प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और अब आपका काम क्या है कि अब आप नीचे वाले का फैक्टर बनाइए। कैसे बनेगा देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स बचेगा। और अब आप इसको तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स, इसको आप क्या कीजिए जैसे फैक्टर बनता है कि नहीं बनता है तो छ कम छ तीन दूना छ और तीन से दो गया एक बिल्कुल बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। तो बच्चों अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स, यहां से एक्स कॉमन तो एक्स प्लस थ्री, यहां से माइनस टू कॉमन तो एक्स प्लस थ्री हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस हो गया आपका थ्री। समझ गए बाबू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स बराबर आपका इतना हो गया, ठीक है। और अब आपको क्या करना है तो अब जो है कि नीचे देख लीजिए कि नीचे तीनों फैक्टर आपका लीनियर में, समझ गए। तो लीनियर का फॉर्मूला मैं आपको बताया था क्या होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स बराबर ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स माइनस टू प्लस सी बाय एक्स प्लस थ्री हो गया। समझ गए बच्चों, ठीक। और अब आप नीचे ले लीजिए एलसीएम, तो आपका एक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री आपका एलसीएम हो गया। और अब एक्स से भाग दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री बचेगा और ए से गुना हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री। इसी तरह से बी, बी के नीचे एक्स माइनस टू है, भाग दीजिएगा तो एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री बचेगा, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री। प्लस सी, एक्स प्लस थ्री से भाग दीजिएगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स माइनस टू। और अब देखिए प्यारे बच्चों कि अब आपका क्या है, तो ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपका ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, समझ गए। तो क्या बच गया देखिएगा, तो आपका बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर ए इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स और x माइनस हो गया बाबू आपका टू, ठीक। x माइनस टू, ठीक है, यहां तक तो दिख गया है। और इसको आप क्या कर लीजिए, तो इसको मान लीजिए आप वन, ठीक बच्चों, इसे आप क्या मान लीजिए, तो इसको आप मान लीजिए वन। और अब क्या कीजिए कि पहले a के नीचे x है, पहले इसको आप जीरो ले लीजिए, पुट x बराबर जीरो इन वन, ये खत्म, यहां पर कितना बच जाएगा माइनस वन, एक्स जीरो लीजिएगा तो यहां पर माइनस टू और यहां पर थ्री, तो तीन दूना छ यानी कि माइनस सिक्स ए, और ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका ए बराबर हो गया वन बाय सिक्स, ठीक है। हम लोग ए का मान निकालिए। अब बी के लिए क्या कीजिएगा, एक्स माइनस टू को जीरो पुट कीजिए, पुट x माइनस टू बराबर जीरो, दैट इज x बराबर टू इन वन। दो रखिएगा, दो दुनी चार, चार दो छ, छ से एक गया पांच, x माइनस टू जीरो है, खत्म हो जाएगा।
यहाँ पर x का जगह 2 रखिएगा और यहाँ पर 2, तो 3 2 5, 5 गुना 10 यानी कि 10b हो गया, और x माइनस 2 0। कहने का मतलब है b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर आपका हो गया 1/2, ठीक है। और अब फिर c के नीचे जो है उसको 0 पुट, 5 बराबर x प्लस 3 0 छोड़ दीजिए, x प्लस 3 0 छोड़ दीजिए, माइनस 3 और ये माइनस 5, 5 से ये 15 यानी कि 15c हो गया, 15c यानी कि c बराबर आपका हो गया 1/3, ठीक है बच्चों। और अब बाबू आप क्या कीजिए, तो अब वैल्यू रख दीजिए, देयरफॉर जिसका आप मान निकालना चाह रहे थे, फाइनली आप इसी का मान निकालना चाह रहे थे, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाय x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर a बाय x, a आप निकाले 1/6, तो 1/6x प्लस b बाय x माइनस 2, b है 1/2, 1/2 x माइनस 2 यहां तक दिख रहा है, प्लस c बाय x प्लस 3, c है 1/3, यानी कि प्लस 1/3 और x प्लस आपका हो गया 3। Therefore, I बराबर, I आप इसी को इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, इसके जगह पे क्या लिख दीजिएगा, तो 1/6x plus 1/2 x minus 2 plus 1/3 और बटे में ही आपका होगा कितना हो जाएगा, तो x plus 3 और आपका हो गया dx। और अब देखिए तो ये सब का सब 1/x का फॉर्मेट है जिसका इंटीग्रेशन log x हो जाता है, तो i बराबर आपका हो गया 1/6 log x प्लस 1/2 log x माइनस 2 प्लस 1/3 log x प्लस 3 प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। तो पहले मैं इसके आंसर एक बार मिला लेता हूं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब बच्चों मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए ठीक है। देखिए अब अगले क्वेश्चन को बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग पावर को चेक करते हैं, पावर देख लीजिए आपका क्या है, तो ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है और नीचे यहां पर 1 पावर और यहां पर 1 पावर, तो नीचे भी आपका पावर मिलकर हो गया 2, तो ऊपर और नीचे का पावर आपका समान हो गया। तो मैं क्या बोला था कि ऊपर का पावर किसी भी हालत में नीचे के पावर से कम रहना चाहिए, यदि बराबर या ज्यादा है तो आपको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोगों को भाग देना है, देखिए कैसे हम लोग भाग देंगे, हाँ क्या तरीका है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय x माइनस 2 और x माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 x इंटू x, x स्क्वायर पहले तोड़ दीजिए, यहां से माइनस एक्स माइनस 2x, तो माइनस 3x माइनस गुनी माइनस प्लस 2, समझ गए बच्चों कितना हो गया, और आप भाग दे दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 से, तो एक बार में कटेगा ये आपका, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस ये कट के बर्बाद हो गया, एक और तीन 4x, बल्कि ये भी आपका जो है ये भी आपका कट जाएगा, 4x बच गया। दैट इज कहने का मतलब है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर इतना इंटू इतना, एक से गुना कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस आपका हो गया 4x, समझ गए बच्चों। तो देयरफॉर आप इसको लिख लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर क्या हो गया बाबू, तो इसके जगह पे समझ गए, इसके जगह पे आप क्या लिखिएगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस फोर एक्स बाय बाय आपका कितना है, तो बाय है आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। और अब प्यारे बच्चों इसको आप अलग अलग कर दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और प्लस हो गया फोर एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और ये दोनों भाई साहब आपका कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली क्या बचा, फाइनली आप देखिए दैट इज इसको आप यहां से ले लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू प्लस टू बाय एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन बराबर आपका हो गया, ये तो वन हो गया, वन प्लस फोर एक्स बाय इसका फैक्टर कितना है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, आप फिलहाल इसका नाम दे दीजिए वन, समझ गए। और अब जो है कि सिर्फ और सिर्फ इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, नौ नौ फोर एक्स बाय एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन बराबर, नीचे दोनों आपका लीनियर है, तो इसको लिख सकते हैं ए बाय एक्स माइनस टू प्लस बी बाय एक्स माइनस वन, तो 4x बाय x माइनस टू एक्स माइनस वन बराबर क्या हो गया, तो x माइनस टू एक्स माइनस वन एलसीएम कोना कोने गुना कर दीजिए, a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू, ये दोनों भाई साहब कैंसिल, इंप्लाइज 4x बराबर a x माइनस वन बी एक्स माइनस टू, और इसको आप मान लीजिए दो, समझ गए। अब पुट पार्ट कीजिए, पुट पहले ए के नीचे वाले को पुट ये x माइनस टू बराबर जीरो, दैट इज x बराबर टू इन टू, तो दो रखिएगा तो चार दूनी आठ, दो रखिएगा तो दो से एक गया एक, यानी कि a बचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा, a बराबर आपका क्या आ गया, तो a बराबर हो गया आपका एक। अब फिर पुटिए, पुट x माइनस वन बराबर जीरो, दैट इज एक्स बराबर वन इन टू, तो वन रखेगा तो फोर, ये जो है एक्स माइनस वन जीरो है खत्म हो गया, वन माइनस टू तो माइनस वन यानी कि माइनस बी, दैट इज बी बराबर माइनस फोर हो गया। अब चलो, और अब देयर फोर इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, देयर फोर फोर एक्स बार एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन बराबर ए, ए आपका आया है एट, एट बाय एक्स माइनस टू बी, बी आपका है माइनस फोर, माइनस फोर बाय एक्स माइनस वन आ गया। और अब बच्चों आप लिख सकते हैं देयर फोर वन इंप्लाइज, इसको लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बाय x माइनस टू एक्स माइनस वन बराबर वन प्लस, ये पूरे भाई साहब के वैल्यू अभी आप यहाँ पर निकाल लिए हैं, तो कितना हो गया एट बाय एक्स माइनस टू, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, माइनस फोर बाय एक्स माइनस वन आ गया। और अब हम लोग आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, देयरफॉर i बराबर इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे थे जो कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने इतना लाया, तो ये आपका हो गया 1 प्लस 8 बाय x माइनस 2, फिर माइनस है माइनस 4 बाय x माइनस 1 और dx, इसका तो हो गया x प्लस 8 1 बाय x का है, तो log आपका हो गया log, एक चीज में थोड़ा सा गलत है, ठीक तो है कोई दिक्कत नहीं, और ये आपका log कितना x माइनस 2 माइनस 4 log x माइनस वन प्लस आपका हो गया c, तो आंसर तो यही होना चाहिए था, मैं एक बार मिला लेता हूं, देखने दीजिए आंसर क्या है, तो बिल्कुल ठीक है, समझ गए बच्चों, तो यही आपका हो गया आंसर।
ठीक है। और अब मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आइए हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक्स स्क्वायर बाय एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पहले पावर के बारे में देखिए, ऊपर आपका 2 पावर है मैक्सिमम और नीचे मैक्सिमम 4 पावर है, तो ठीक है, ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो बाबू आपका x स्क्वायर बाय x पे पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 12 बराबर x स्क्वायर बाय 12 एकम 12, समझ गए, 12 एकम 12, 4 से 12, 4 से 3 गया 1। तो x पे पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12 हो गया बराबर x स्क्वायर बाय, यहां पर x स्क्वायर कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 4, यहां पर प्लस 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4 यानी कि x स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर प्लस 3 होगा, समझ गए, कितना बराबर x स्क्वायर बाय x पे पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 12 बराबर कितना आपका होगा। ठीक है, तो अब तो कहिएगा कि सर नीचे इसका तो आपका फैक्टर बन जाएगा क्योंकि माइनस में है, लेकिन इसका फैक्टर तो आपका नहीं बनेगा। फैक्टर इसका भी बन सकता है लेकिन आपका रियल में नहीं बनेगा, आपका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका बनेगा, कॉम्प्लेक्स हम लोगों को मतलब नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो क्या कीजिए बच्चों कि आप जो है ना इसको 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए और अब सिर्फ इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए लेट एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो देयर फोर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, वाई बाय वाई माइनस 4 और वाई प्लस कितना हो गया बच्चों, तो वाई प्लस आपका हो गया 3। और अब ये आपका जो है लीनियर का फॉर्मेट आ गया ना, y by y minus 4 into y plus 3 बराबर आप लिख सकते हैं a by y minus 4 plus b by y plus 3, आप इतना लिख सकते हैं। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप ले लीजिए LCM, तो बराबर आपका कितना LCM आ जाएगा, बल्कि पूरे आप उतार लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपका y by y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3 बराबर, यहां पर एलसीएम हो गया y माइनस 4 और फिर y प्लस 3 कोना कुनी गुना a इंटू वाई प्लस 3 प्लस b इंटू वाई माइनस 4, ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल, तो y बराबर a y प्लस 3 b y माइनस हो गया आपका 4। और बच्चों आप इसको क्या कीजिए, तो आप इसको मान लीजिए 2, तो सबसे पहले a के नीचे वाला को पुट कीजिए 0, तो पुट y माइनस 4 बराबर 0, दैट इज y बराबर 4 इन 2, समझिए 2 में आप ऐसा पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू 4, ये तो 4 के बराबर हो गया, 4 और 3 7 यानी कि 7 है, ये तो खत्म हो गया, तो a बराबर 4/7, ठीक है। फिर आप b के नीचे वाले को पुट कीजिए, तो पुट y प्लस 3 बराबर 0, दैट इज y बराबर माइनस 3 इन 2, तो बच्चों ये आपका माइनस 3 बराबर, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 7 भी, यानी कि b बराबर 3 बाय आपका हो गया 7। और अब जो है इसका मान पहले आप y में रख लीजिए, देयरफोर y बाय y माइनस 4 इंटू y प्लस 3 बराबर क्या हो गया,
a by y minus 4, तो a आपका है 4 by 7, 4 by 7 y minus 4 हो गया, plus b, b आपका है 3 by 7 y plus 3 हो गया, समझ गए बच्चों? और जो है, ये भाई साहब किसके बराबर है? तो यहाँ पर इसके बराबर है, तो आप लिख सकते हैं, therefore x square by x square minus 4, x square plus 3 बराबर कितना हो गया? तो 4 by 7 y minus 4 plus 3 by 7 y plus 3. और बच्चों अब y का वापस आप मान रख दीजिए, तो y बराबर आप क्या लिए थे? तो y बराबर आप लिए थे x square, तो कितना हो गया बाबू, 7 x square minus 4 plus और प्लस आपका हो गया 3 by 7 x square plus 3. तो अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है इसका जो है फैक्टर बना दिए, और फैक्टर आपका हो गया ये, ठीक है, फैक्टर हो गया. थोड़ा सा ये ब्राइटनेस बार बार ये दिक्कत करता है, ठीक है. तो अब बाबू आप इंटीग्रेशन आराम से बना सकते हैं. Therefore, I बराबर ये भाई साहब, और इस भाई साहब के जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, तो 4 by 7 x square minus 4 और plus 3 by 7 x square plus 3 और आपका हो गया बच्चों dx, ठीक है, dx, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं बाबू? नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 3 है, समझ गए क्या है? मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं, यहाँ पर 3 बार, ठीक है. और अब देखिए तो आपका क्या हो गया, तो अब इसको अलग अलग कर लीजिए. I बराबर 4 बाय 7 इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 बाय 7 इंटीग्रेशन dx by x square plus root 3 का square हो गया. और इसका integration हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. formula में बता देता हूं कि आपका dx by x square minus a square बराबर 1 by 2a log, हाँ log mod तो 12 तक लेते हैं, छोड़ दीजिए, x minus a by x plus a हो जाता है. और फिर इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय ए और टेन इनवर्स एक्स बाय ए होता है. आप इसी में तोड़िए तो आई बराबर 4 बाय 7, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 बाय 2 ए, ए के जगह पे आपका तो 2 है, लिख दीजिए लॉग एक्स माइनस ए यानी कि एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 प्लस 3 बाय 7 1 बाय ए, एक जगह पर रूट 3 है, 1 बाय रूट 3 और 10 वर्स x बाय ए x बाय रूट 3 और लास्ट में एक कांस्टेंट आप दे दीजिए c, यानी कि क्या हो गया, i बराबर 2 दुनी 4 खत्म, 1 बाय 7 log x माइनस 2 बाय x प्लस 2 प्लस यहाँ पर काट ना दीजिए, समझ गए, रूट 3 बाय 7 हो जाएगा, ये हो गया रूट 3 बाय 7 10 इनवर्स x बाय रूट 3 प्लस c और यही आपका हो गया आंसर. तो पहले एक बार मैं आंसर को मिला लेता हूँ, समझ गए, फिर हम लोग इसको लिखेंगे 1 by 7 log x minus, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों. तो अब मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, चलिए देखिए. अब हम लोग सॉल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय 1 प्लस x पे पावर 3. तो बच्चों सबसे पहले आपको पावर मिलाना है ऊपर और नीचे का,
ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है और नीचे x पे पावर 3 हो, बल्कि ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है और नीचे आपका पावर हो जाएगा 3। तो ठीक है, नीचे आपका ज्यादा है ऊपर कम है, तो ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो ठीक है, इसमें भाग ताक देने की जरूरत नहीं है। और अब बच्चों आपको क्या करना है, तो अब एक चीज देखिए कि नीचे आपका लिनियर तो जरूर है, 1+x आपका लिनियर हो गया, लेकिन ये भाई साहब कितना बार आया है, ये भाई साहब आया है 3 बार, यानी कि ये लिनियर है और रिपीटेड है। समझ गए, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे अभी तक लिनियर और नॉन रिपीटेड पढ़े थे, लेकिन अब जो है यह आपका लिनियर है और लिनियर आपका रिपीट कर रहा है, यानी कि लिनियर और रिपीटेड हो गया। तो ये भी मैं आपको कंसेप्ट सिखाया था कि कैसे होता है, तो आइए उसी कंसेप्ट पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय 1+x3। क्या बोले थे बाबू, a बाय 1+x, एक बार एक पावर के साथ, प्लस b बाय 1+x का स्क्वायर, एक बार दो पावर के साथ, और तब तक बढ़ते रहिए जब तक कि आपका ये वाला पावर ना आ जाए। ये 3 पावर है ना, तो आपको 3 पावर तक जाना पड़ेगा, यानी कि c बाय 1+x3। क्या लिए बाबू, पहले एक पावर, फिर 2 पावर, और फिर ले लिए 3 पावर। ठीक है, और आप ऐसा कीजिए, इसका नाम आप दे दीजिए 1। तो इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम तो आपका 1+x3 हो जाएगा, इससे भाग दीजिएगा तो 2 पावर बचेगा, तो a इंटू 1+x2, 2 पावर से भाग दीजिएगा 1 पावर बचेगा, b इंटू 1+x, ये तो आपका खत्म हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा c। तो आपका x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय 1+x3 बराबर हो गया, और इस दोनों को काट कर आप कर दीजिए बर्बाद। तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर, यहां से a 1+x का स्क्वायर, b 1+x प्लस c, और फिलहाल आप इसका नाम दे दीजिए 2। और अब आप क्या कीजिए, पहले a के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए, तो पुट a के नीचे कितना है, 1+x बराबर 0, दैट इज x बराबर -1 इन 2। तो यहां पर देखिएगा, तो -1 का स्क्वायर तो 1, और यहां पर -1 खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1 बराबर। देखिए x प्लस 1 0 है, खत्म हो गया, क्या बच गया c, यानी कि c का मान आप निकाल लिए 1। हाँ, और अब b के नीचे 0 पुट कीजिए, तो b के नीचे 1+x है, और मजे की बात यह है कि आप 1+x तो पहले ही 0 पुट चुके हैं, अब कैसे कीजिएगा, c के नीचे 0 पुटिए, c के नीचे 1+x है, यह आप 0 पुट कर दिए हैं, अब बनेगा कैसे, समस्या खड़ा हो गया। ऐसे केस में समझ गए, जब आप पुटिए नहीं सकते हैं, एक ठो पुटे एक ठो रखे, आप b और c नहीं रख पा रहे हैं, इसका भी तरीका है। क्या तरीका है, आइए मेरे साथ आइए। तो आपको क्या करना है, इस 2 को फिर से सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। 2 implies x square plus x plus 1 बराबर a, इसे तोड़ लीजिए, a square plus 2ab plus b square plus b plus bx plus c, यानी कि आपका हो गया x square plus x plus 1 बराबर, समझ गए, तो x स्क्वायर आप ले लीजिए बाजू में, तो x स्क्वायर के साथ यहां पर सिर्फ और सिर्फ a आएगा, ठीक है, आप x ले लीजिए बाजू में, तो यहां पर आपका 2a हो जाएगा और यहां पर आपका b हो जाएगा। अब आप कांस्टेंट ले लीजिए, यहां पर कांस्टेंट बचेगा a, ये आपका हो गया b और ये हो गया c, समझ गए, इस प्रकार से हम लोग तोड़ दिए। और अब दोनों तरफ x के समान पावर के घात का कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए,
यानी कि इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ लाइट पावर्स ऑफ एक्स बोथ साइड क्या मिलेगा देखिए, तो एक्स स्क्वायर का यहां कोफिशियंट ए है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन, यानी कि ए का मान हो गया वन। फिर देखिए एक्स का कोफिशियंट टू ए प्लस बी है, टू ए प्लस बी है और इधर आपका एक्स का कोफिशियंट वन है, ठीक है। ए का मान आप ऑलरेडी वन निकाल चुके हैं, टू प्लस बी बराबर वन, तो b बराबर इधर जाएगा तो कितना जी माइनस वन। ए बी आप निकाल लिए और c तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, यानी कि अब इसको जो है ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ए बी सी आपका निकल गया, काम खत्म है। और अब देखिए तो अब आप वन में इसका वैल्यू रख सकते हैं, वन इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय वन प्लस एक्स का होल क्यूब बराबर a, a आपका है वन, 1 बाय 1 प्लस एक्स, बी बी आपका है माइनस वन, तो माइनस दे दीजिए, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और सी सी आपका है 1, 1 बाय 1 प्लस एक्स का हो गया होल। तो इस तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको तोड़ दिए और अब इंटीग्रेट कीजिए। Therefore, I बराबर इसी को इंटीग्रेट करना था, इसके जगह पे 1 by 1 plus x minus 1 by x 1 plus x का स्क्वायर plus 1 by 1 plus x का होल क्यूब और आपका हो गया dx। तो देखिए तो I बराबर कितना, इसका तो हो जाएगा log 1 plus x minus, ये आपका पावर में minus 2 हो जाएगा ना, तो 1 plus x पे पावर minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1, ये पावर में minus 3, तो 1 plus x पे पावर minus 3 plus 1 by minus 3 plus 1 plus c, यानी कि i बराबर log 1 plus x, ये minus 1 होगा तो minus भी minus plus, यहाँ पर भी पावर minus 1 तो बटे में आ जाएगा, यानी कि 1 by 1 plus आपका हो गया x, और यहाँ पर minus 2, तो minus 1 by 2, यहाँ पे पावर में माइनस टू होगा तो बटे में आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स पे पावर 2 प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। तो पहले एक बार मैं मिला लेता हूं फिर आप लिखिएगा। ठीक, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं x स्क्वायर बाय x प्लस वन इंटू x प्लस टू का होल स्क्वायर है, और इसको हम लोग करते हैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो देखिए बाबू आपका क्या है, तो आप सबसे पहले पावर की बात कीजिएगा, तो ऊपर आपका मैक्सिमम पावर 2 है और नीचे यहाँ पर 1 पावर और यहाँ पर 2 पावर, तो 2 और 1 मिलके 3, यानी कि यह आपका जो है प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या तोड़िएगा कैसे, x स्क्वायर बाय x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, यह लीनियर है और यह भी लीनियर है, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है ना लीनियर रिपीटेड है, यानी कि रिपीट कर रहा है, कितना बार रिपीट करेगा तो 2 बार, ये तो रिपीट नहीं कर रहा, इसको कैसे लिखेगा, तो इसको लिखना है a बाय x प्लस 1, ये रिपीट कर रहा तो इसको लिखिए b बाय x प्लस 2 और c बाय x प्लस 2 का स्क्वायर, समझिए जितना बार रिपीट करेगा आपको उतना लिखना है, जैसे 3 रहता तो एक बार और दे देते d बाय x प्लस 2 का होल क्यूब,
और इसे प्यारे बच्चों आप नाम दे दीजिए वन। और अब आप क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम एक्स प्लस वन और इस दोनों से तो आपका एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, भाग दे दीजिए ये खत्म। तो ए इंटू एक्स प्लस टू का स्क्वायर, बी एक्स प्लस टू खत्म, तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू बचेगा, सी ये खत्म, तो आपका एक्स प्लस वन हो गया। और प्यारे बच्चों ये दोनों आपका हो गया कैंसिल, कट के बर्बाद हो गया। तो क्या बच गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए, एक्स प्लस टू का स्क्वायर बी, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू सी एक्स प्लस वन, और इसका नाम आप दे दीजिए दो। सबसे पहले ए का नीचे वाला पुट कीजिए, पुट एक्स प्लस वन बराबर जीरो, दैट इज एक्स बराबर माइनस वन इन टू, तो माइनस वन का स्क्वायर तो वन, माइनस वन प्लस वन तो वन, वन का स्क्वायर आपका ए ही बचेगा। x प्लस वन जीरो पुटे हैं, ये जीरो पुटे हैं, यानी कि a बराबर वन आ गया। अब b के नीचे वाला पुट कीजिए, तो पुट x प्लस टू बराबर जीरो, दैट इज x बराबर माइनस टू इन टू, तो दो माइनस दो का स्क्वायर चार, x प्लस टू जीरो है छोड़ दीजिए, x प्लस टू जीरो है छोड़ दीजिए, यहां पर x के जगह माइनस टू प्लस वन माइनस वन, यानी कि माइनस सी हो गया, That is c बराबर माइनस फोर हो गया। समझ गए बच्चों? और अब c के नीचे वाला जीरो पुट कीजिए, तो c के नीचे x प्लस टू है, और x प्लस टू तो आप ऑलरेडी जीरो पुट चुके हैं, तो अब तो आप पुट कर नहीं पाइएगा, और मान आपको सिर्फ a और c मिला। तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों आप जो है इस दो नंबर को फिर से सॉल्व कीजिए, जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे। अब क्या कीजिएगा, तो अब यहां पर लिखिएगा टू इम्प्लाइज, तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर ए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस दो एक तीन थ्री एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स प्लस वन, दिख रहा है ना, हाँ यहां तक दिख गया है। और अब क्या कीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर पहले एक्स स्क्वायर ले लीजिए, यहां पर बचेगा a और यहां पर बचेगा आपका b, x यहां पर 4a और यहां पर प्लस 3b और यहां पर प्लस c। अब कॉन्स्टेंट यहां से 4a, यहां से 2b और यहां से आपका हो गया c, दिख रहा है, दिखा कि नहीं जी, हाँ दिख गया है, हाँ काफी ऊपर है फिर भी दिख रहा है। और अब क्या कीजिए, तो अब आप दोनों तरफ x के समान पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, लिखते हैं इस प्रकार से, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ coefficient of like powers of x both sides, x square का बाजू में a plus b है और यहां पर x square का बाजू में 1, और देखे तो a और b में से किसका मान आप निकाले हैं, a का आप मान निकाल चुके हैं 1, तो 1 plus b बराबर 1, तो b बराबर आपका कितना हो गया 0। और अब देखिए कि आपको a b c का मान निकालना था, a निकल गया, यहां से b निकल गया, c निकल गया, यानी कि अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब लिखिएगा therefore one implies, कितना बाबू, x square by x plus 1 into x plus 2 का whole square बराबर a, ए आपका है 1, यानी कि 1 बाय एक्स प्लस 1, बी बी 0 है छोड़ दीजिए, सी सी आपका है माइनस 4,
तो माइनस फोर बाय एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया। तो आप क्या किए, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदल दिए। देयरफोर I बराबर इंटीग्रेशन इसी का निकाल रहे थे, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 4 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये भाई साहब का तो log x प्लस 1 हो गया माइनस 4, ये तो पावर में कितना माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2 पे पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि i बराबर log x प्लस 1, और ये नीचे माइनस 1 माइनस गुणी माइनस प्लस प्लस आपका हो गया 4, और ये माइनस 1 पावर में है तो नीचे आ जाएगा x प्लस 2 प्लस आपका हो गया c, और बाबू यही आपका हो गया आंसर। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं फिर आप लिखिएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो अब मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं x बाय 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। तो सबसे पहले पावर चेक कीजिए, ऊपर x का मैक्सिमम पावर 1 है, यहां पर एक और यहां पर दो, दो और एक मिलकर हो गया तीन पावर। ठीक है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में है। तो आइए बच्चों अब सॉल्व कीजिए। तो x बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, देखिए ये जो है आपका लीनियर है और ये 1 प्लस x स्क्वायर आपका है क्वाड्रेटिक। हालांकि क्वाड्रेटिक इसको तब तक बोलना उचित नहीं है जब तक आप ट्राई करके उसका फैक्टर नहीं निकाल देते। यदि इसका फैक्टर बन जाएगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो यहां पर प्लस है ना तो फैक्टर बनेगा ही, यदि माइनस रहता तो फैक्टर बन जाता। प्लस पर भी फैक्टर बन सकता है लेकिन वो फैक्टर आपका इमेजिनरी होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में बनेगा, जिसकी की जरूरत हम लोगों को नहीं है, हम लोग रियल नंबर पे बनाएंगे। इसलिए बाबू ये लिनियर का फॉर्मूला पे टूटेगा और ये आपका क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला पे टूटेगा। तो लिनियर क्या क्या तरीका होता है, लिनियर का तरीका होता है a बाय 1 प्लस x, ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए एक जानते हैं एक एक्स्ट्रा आपका ऊपर x जाता है और दो कॉन्स्टेंट होता है और नीचे हो गया 1 प्लस x स्क्वायर, इसको आप मान लीजिए 1। और अब आप ले लीजिए एलसीएम x बाय 1 प्लस x, 1 प्लस x का स्क्वायर, 1 प्लस x, 1 प्लस x का स्क्वायर कोना कोनी गुना a इंटू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस x। और अब ये दोनों भाई साहब कट गया तो इंप्लाइज x बराबर a 1 प्लस x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 प्लस x, इसको आप मान लीजिए 2 नंबर। और सबसे पहले a के नीचे वाले को 0 पुट कीजिए, पुट 1 प्लस x बराबर 0, दैट इज x बराबर माइनस 1 इन टू। तो ये तो माइनस 1 बराबर, देखिए तो यहां पर क्या रखेगा माइनस 1 के स्क्वायर, तो एक और एक दो 2a और ये तो 0 हो जाएगा, कहने का मतलब a बराबर माइनस हाफ हो गया। और अब आप पुट कीजिए इसके नीचे वाला 0, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब क्वाड्रेटिक रहेगा ना तो आप इसको जीरो पुट नहीं कर सकते। तो अब क्या तरीका है, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ a का मान मिला, b और c का नहीं मिला है, तो इसके लिए दो को फिर आप सॉल्व कीजिए जो तरीका मैं इसके पहले बताया हूं। तो 2 इंप्लाइज x बराबर a 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बल्कि इसको तोड़ ही दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ गए, इसको तोड़ दीजिए तो a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस इसको गुना कीजिएगा तो bx
इसको गुना कीजिएगा तो बी एक्स स्क्वायर, इसको गुना कीजिएगा सी, इसको गुना कीजिएगा आपका हो जाएगा सी एक्स। कहने का मतलब है कि x बराबर x स्क्वायर बाजू में तो a प्लस बी, x बाजू में b प्लस सी, अब कॉन्स्टेंट a प्लस सी, a प्लस सी। और अब आप दोनों तरफ x के समान पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x बोथ साइड्स। तो देखिए प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यहां पर x स्क्वायर के बाजू में a प्लस बी है, a प्लस बी, और उधर x स्क्वायर है ही नहीं, यानी कि कोफिशिएंट जीरो होगा। तो आपका b बराबर कितना हो गया, माइनस a माइनस, और a आप माइनस हाफ निकाल चुके हैं। कहने का मतलब है b बराबर आपका हो गया हाफ, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, तो आपका जो है ना b प्लस सी, और इधर x का कोफिशिएंट है 1, b का मान आप निकाल चुके हैं 1/2 प्लस सी बराबर 1, तो c बराबर भी आपका कितना हो जाएगा हाफ। ए बी सी तीन चीज मालूम नहीं था, और ए बी सी आप निकाल लिए, अब आगे आप सॉल्व मत कीजिए। वन इंप्लाइज क्या हो जाएगा, वन इंप्लाइज एक्स बाय वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर ए, तो ए के जगह पे माइनस हाफ, माइनस वन बाय टू वन प्लस एक्स प्लस बी, बी के जगह पे हाफ 1/2x प्लस सी, सी के जगह पे हाफ है बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हैं माइनस 1/2 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 कॉमन, और x प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया, ठीक है बच्चों। देयरफोर i बराबर इसका आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, इसके जगह पे ये हो गया माइनस 1/2 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपका हो गया dx। जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हैं उसको सॉल्व करते जाइए, ठीक। जैसे देखिए, तो i बराबर माइनस हाफ ये बाहर, और इसका लॉग का हो जाएगा, यानी कि लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, मेरा चेहरा भी चमक रहा है, ठीक है। और प्लस ये भाई साहब 1/2 इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन करना जो है, इसका इंटीग्रेशन करना अब बहुत आसान नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला को हम लोगों को लाना पड़ेगा, और कैसे बनाएंगे यहां पर देखिएगा। तो i बराबर माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 i1 ले लीजिए, वेयर i1 बराबर है इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाय x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx। और इसमें हम लोगों को ऊपर वाला पुट करना पड़ता है, मैं आपको तरीका बता चुका हूं, क्या कीजिएगा, पुट x प्लस 1 बराबर लेमडा लेमडा, समझिए d बाय dx और नीचे वाला लेमडा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ नीचे वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस आपका क्या हो जाता है, तो प्लस आपका हो जाता है म्यू। ये तरीका हम लोग शुरू में पढ़े थे, यानी कि आपका एक्स प्लस वन बराबर लेमडा टू एक्स प्लस म्यू हो गया। आप इसको क्या नंबर दे दीजिए, 2 तक ले चुके हैं, इसको आप 3 नंबर दे दीजिए, 3 दिख रहा है
और अब क्या कीजिए, दोनों तरफ फिर x के समान पावर के कोएफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। तो बाबू यहां पर 2 लैम्डा बराबर कितना हो गया 1, और म्यू बराबर कितना जी 1, तो लैम्डा बराबर 1/2 और म्यू बराबर आपका हो गया 1, और इसका वैल्यू आप रख दीजिए 3 इंप्लाइज एक्स प्लस 1 बराबर लैम्डा, लैम्डा के जगह पे आपका 1/2 इंटू 2x म्यू, और म्यू के जगह पे आपका आ गया है 1। ठीक है बच्चों, तो अभी तो इतना जगह है नहीं कि हम लोग इसको बना पाए, तो मैं तो बोलूंगा प्यारे बच्चों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जो है कि मैं इसको यहां पर मिटा कर आपको बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्या कीजिए, I1 आप निकाल रहे थे, तो आपका I1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, I1 बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 1, x प्लस 1 का मान क्या आ गया है 1/2 इंटू 2x प्लस 1, तो 1/2 इंटू 2x प्लस 1 बाय आपका है कितना x स्क्वायर प्लस 1, तो आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 1 dx। अलग अलग कर लीजिए, I1 बराबर 1/2 2x by x square plus 1 dx plus integration 1 by x plus 1 dx। अब देखिए नीचे वाला कूटिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, ये इस यही फॉर्मेट लाने के लिए हम लोग जो है ना इतना तामझाम किए थे। ठीक, तो अब आप क्या कीजिए, तो I1 बराबर 1/2 आप जिसको कूटना है d में घुसाइए और उसी को आप लिख दीजिए, और एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, x स्क्वायर का 2x, 1 का 0, बात खत्म हो गया, और 1 प्लस x स्क्वायर का 10 इनवर्स x होता है, ये हो गया आपका 10 इनवर्स x, यानी कि I1 बराबर 1/2, ये log का फॉर्मेट हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 इनवर्स x। ठीक है बच्चों, और अब इसका वैल्यू आप रख दीजिए इसमें, तो हाँ जस्ट गेट थोड़ा सा कोई नॉक कर रहा है। देखिए अब क्या हो गया, तो I1 आप निकाल लिए और फाइनली आपको निकालना था I, therefore I बराबर -1/2 log 1 प्लस x प्लस 1/2 I1 है, समझ गए, यहां पर यह आपका I1 है और I1 के जगह पर आप क्या रखिएगा, तो I1 के जगह पे 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 वर्स x, और लास्ट में एक कांस्टेंट दे दीजिए c, और इसी को थोड़ा सा तोड़ कर लिख दीजिए, तो इसको शुरू में माइनस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, पहले इसको लिख लीजिए, तो 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1, फिर इसको लिख लीजिए -1/2 log x प्लस 1 प्लस 10 वर्स x प्लस आपका हो गया c, और यही हो गया आपका आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं कि फॉर्मेट यही है या फिर कुछ चेंज भी किया है, तो बाबू फॉर्मेट मुझे देखने दीजिए, तो 1/4 ठीक है। अच्छा एक चीज आप मिस कर दिए, आप बताए भी नहीं कि 10 वर्स में भी हाफ है ना, 1/2, बिल्कुल यही आंसर है बच्चों। और अब मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले फिर से। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन dx by x cube plus 1 को, तो ये तो आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़िएगा, तो 1/x³ + 1 बराबर आपका a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दीजिए कितना होगा, तो 1/a + b into a² - ab + आपका हो गया
बी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। और अब आपको ये तोड़ना है, तो अब बाबू क्या कीजिए, तो 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर, तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, तो आपका बल्कि ऐसा कीजिए, समझ गए, ऐसा कीजिए कि आप इसको मान लीजिए फिलहाल 1, ठीक, और इसको तोड़िए, 1 बाय एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये लीनियर है, तो a बाय एक्स प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है, इसका फिर से फैक्टर संभव नहीं है, तो इसके जगह पे लिख दीजिए बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका नाम आप 2 दे दीजिए, और अब आपका क्या हो गया 1 बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, नीचे आपका एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कोना कोनी गुना ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 1, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, कहने का मतलब है 1 बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1, और इससे आप मान लीजिए 3, समझ गए, और अब ए के नीचे वाले को पुट कीजिए 0, पुट एक्स प्लस 1 बराबर 0 दैट इज एक्स बराबर माइनस 1 इन 3, तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 रखे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, समझ गए, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 1, और माइनस गुनी माइनस प्लस 1 और 1 एक 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 मिलके 3a, और एक्स प्लस 1 तो 0 है, खत्म हो गया, कहने का मतलब है कि इंप्लाइज a बराबर हो गया आपका 1/3, समझ गए, a बराबर 1/3, और अब आप इसको फिर से, अब तो ये आप 0 पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक वाले को आप 0 नहीं पुट कर सकते हैं, तो 3 को फिर से सॉल्व कीजिए, 3 implies 1 बराबर a तोड़ दीजिए, तो x square minus ax plus a plus bx square plus bx दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, plus cx plus आपका हो गया c, और अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर x square बाजू में, यहां से आपका हो गया a और यहां से आपका हो गया प्लस b, x बाजू में यहां से आपका माइनस a, यहां से आपका प्लस b, और ये आपका c, कांस्टेंट ले लीजिए, तो कांस्टेंट यहां से a और b में तो है नहीं, यहां से आपका हो गया c, और अब दोनों तरफ x के समान पावर के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, यानी कि a प्लस b, इधर x स्क्वायर नहीं है तो 0 हो जाएगा, और a का मान 1/3 है, 1/3 प्लस b बराबर 0, आप ऑलरेडी यहां पे निकाल चुके हैं, तो b बराबर कितना हो गया माइनस 1/3, a और b मालूम हो गया, अब आपको c मालूम करना है, तो बेहतर होगा कि सी आप यहां से मालूम कर लीजिए, ए प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा तो ए प्लस सी कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट आपका 1 है, ए के जगह पे आपका क्या है 1/3, 1/3 प्लस सी बराबर 1, तो सी बराबर 1 माइनस 1/3 2/3, यानी कि सी निकल गया आपका 2/3, समझ गए, तो देयरफॉर 1 and 2 implies 1 और 2 मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, यहां से 1 by x cube plus 1, ये दोनों मिल गया था a by x plus 1, तो a आपका है 1/3, 1/3 x plus 1 plus bx, b आपका है minus 1/3 plus c, c आपका है 2/3 by x square minus x plus 1, और बच्चों इसी को आपको इंटीग्रेट करना था, समझ गए,
तो आई बराबर आप देखिए तो आपका कितना हो गया इंटीग्रेशन 1/3x+1 और यहां से आप ऐसा कीजिए कि -1/3 कॉमन ले लीजिएगा, ऊपर बच जाएगा x माइनस कॉमन ले x माइनस 2 बच जाएगा आपका, और नीचे हो गया x²-x+1 और बच्चों आपका हो गया dx। अब जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हैं उसको सॉल्व कीजिए और जिसको नहीं जानते हैं उसको हम लोग बनाएंगे। तो i बराबर 1/3 log x+1 -1/3 इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं x-2/x²-x+1 और आपका हो गया dx और इसको आप मान लीजिए i1। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं i = 1/3 log x+1 - 1/3 i1 where i1 बराबर इतना where i1 equal to integration x-2/x²-x+1 और आपका हो गया dx और इसको आपको सॉल्व करना है और जगह तो है नहीं तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर जो है कि मैं मिटाकर इसको सॉल्व करूंगा। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग i1 को सॉल्व करते हैं। तो क्या तरीका है बाबू, यहां पर एक बार i1 लिख लीजिए। i1 बराबर इंटीग्रेशन x-2/x²-x+1 और आपका हो गया dx और इसका क्या तरीका है तो पुट कीजिए ऊपर वाला, पुट x-2 = λ d/dx ऑफ नीचे वाला प्लस म्यू। कहने का मतलब है कि x-2 = λ x² 2x-1 प्लस म्यू। तो अब जो है कि x-2 = 2λx - λ + μ हो गया। x के कोफिशिएंट को आप और जो कांस्टेंट है आप उसको इक्वेट कर लीजिए। x के बाजू में है 2λ, यहां पर है 1, यानी कि λ = 1/2 हो गया और यहां पर -λ + μ कांस्टेंट, यहां पर -2 तो लेमडा की जगह पे हाफ है, -half + μ = -2 -2 + 1/2 2×2=4, 4 से 1 = -3 आपका हो गया 2। और अब इसका नाम आप कहां तक दिए थे जो भी है यहां पे लिख लीजिएगा, therefore x-2 = इसमें रख दीजिए लेमडा, तो लेमडा आपका कितना आया है, तो लेमडा आपका आया है समझ गया हाफ, तो 1/2 2x-1 + μ और म्यू आप लाए हैं -3/2। ठीक बच्चों, तो देयरफोर आपका i1 बराबर कितना हो गया देखिएगा, तो x-2 के जगह पे इसको रख दीजिए 1/2 2x-1 - 3/2 / x²-x+1 और dx और अब आप इसे जो है कि अलग अलग कर दीजिएगा, तो अलग अलग कीजिएगा दिख रहा है ना, दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है। तो अब आप क्या कीजिएगा, तो i1 बराबर देखिए 1/2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 2x-1/x²-x+1 dx फिर माइनस ये आपका 3/2 इंटीग्रेशन dx/x²-x+1 और अब देखिए तो कैसे बनेगा i1 = 1/2। अब इसको पुटिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो जिसको पुटना है d में घुसा दीजिए x²-x+1 और उसी को लिख दीजिए, एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए x² = 2x - x - 1 1 = 0 ठीक है, माइनस
थ्री बाय टू डी एक्स और इससे आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर जो बनाइएगा तो कितना बाबू, ए स्क्वायर माइनस टू ए वन बाय टू प्लस वन बाय टू का स्क्वायर माइनस वन बाय टू का स्क्वायर प्लस वन, यानी कि आई वन बराबर वन बाय टू, ये लॉग हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस थ्री बाय टू, और ये तो बाबू इस तरह से रहने दीजिए, डी एक्स बाय यहां से एक्स माइनस वन बाय टू का स्क्वायर, और देखिए तो ये आपका एक से एक बट्टे चार गया तो तीन बट्टे चार, नहीं प्लस में तीन बट्टे चार, यानी कि प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखिएगा, तो आपका इंटीग्रेशन समझ गए, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो आई वन बराबर वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस थ्री बाय टू वन बाय ए, एक जगह पे है रूट थ्री बाय टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे है एक्स माइनस वन बाय टू बाय ए, एक जगह पे है रूट थ्री बाय टू। और अब बाबू आपका आई वन बराबर हो गया वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये दो दो खत्म, ये रूट थ्री बार में कट जाएगा माइनस रूट थ्री टेन वर्स, पलची मार दीजिए दो दो पलती क्या एलसीएम लेकर काट दीजिएगा तो टू एक्स माइनस वन बाय रूट थ्री हो गया, समझ गए बच्चों। और अब आपको फाइनली आई वन निकाल लिए, अब आई में आप इसका वैल्यू रख दीजिएगा देयरफॉर मैं यहाँ पर फाइनल आंसर को लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर आई बराबर यहाँ पे वन बाय थ्री लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन बाय थ्री आई वन है, तो आई वन है ना यहाँ पे मैं गुना करते जाऊंगा, ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा तो वन बाय सिक्स हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन बाय थ्री है और यहाँ पर रूट थ्री है, गुना कीजिएगा तो वन बाय रूट थ्री हो जाएगा और टेन इनवर्स, समझ यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो जाएगा, टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वन बाय रूट थ्री, और लास्ट में आप एक कॉन्स्टेंट दे दीजिए सी। तो एक बार बच्चों में आंसर को पहले मिला लेता हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो बोर्ड लगे इस क्वेश्चन को बनाने में, आइए अब हम लोग बनाते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो देख लीजिए पावर देख लीजिए, तो ऊपर तो आपका x है नहीं, यानी कि x का पावर जीरो है, और नीचे यहाँ पर x पे पावर दो और यहाँ पर x पे पावर दो, तो नीचे चार पावर है, तो नीचे ज्यादा पावर है ऊपर कम पावर है, यानी कि यह आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो इसको तोड़ने का क्या तरीका होगा, तो आपका हो जाएगा पुट वन बाय x माइनस वन का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस फोर बराबर, ये आपका लीनियर है और रिपीटेड, ये वाला आपका है क्वाड्रेटिक, तो कैसे पुट कीजिएगा, a बाय इसके लिए x माइनस वन प्लस b बाय फिर x माइनस वन का स्क्वायर, ये आपका लीनियर रिपीटेड था, ये क्वाड्रेटिक है, इसको फर्दर हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हो जाएगा सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर। और अब आपको क्या करना है बाबू, तो वन बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इससे भाग दीजिएगा तो एक तो आपका एक्स माइनस वन बच जाएगा,
और आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर बच जाएगा, इससे भाग दीजिएगा ये कैंसिल, बी के साथ आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इससे भाग दीजिएगा ये कैंसिल, यानी कि सी एक्स प्लस डी और एक्स माइनस वन का आपका हो गया होल स्क्वायर। आप इसको वन मान लीजिए और ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब है वन बराबर ए एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसे आप मान लीजिए दो। और अब क्या कीजिए, तो ए के नीचे वाले को आप जीरो पुट कीजिए, पुट एक्स माइनस वन बराबर जीरो, दैट इज एक्स बराबर वन इंटू, ये तो आपका वन हो गया, एक्स माइनस वन जीरो है खत्म। यहां पर यदि एक रखिएगा तो एक और चार, चार एक पांच, यानी कि आपका हो गया फाइव बी, और x माइनस वन जीरो खत्म। कहने का मतलब है कि b बराबर आपका हो गया वन बाय फाइव, समझ गए बच्चों। और इसी तरह से अब b के नीचे वाले को जीरो पुट कीजिए तो x माइनस वन जीरो होगा, जो कि आप पहले ही ले चुके हैं, अब तो आप इसे पुट नहीं कर सकते हैं। अब आप इसे पुट कीजिए, ये आपका क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को आप पुट नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसे केस में आपको दो को फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो टू इंप्लाइज क्या हो जाएगा, टू इंप्लाइज वन इक्वल टू, तोड़ दीजिए तो ए इसको गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर आप जो है इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो फोर एक्स हो जाएगा, यानी कि फोर पहले ए लिख दीजिए तो ए फोर एक्स, फिर आप इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस फोर ए प्लस, यहां पे गुना कर लीजिए तो बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर बी प्लस, इसे सॉल्व कीजिए तो पहले इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चों। अब गुना कर लीजिए तो इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो सी एक्स क्यूब, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस टू सी एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो प्लस सी एक्स, फिर डी उठा लीजिए, डी को इसके साथ गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा प्लस डी एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ माइनस टू डी एक्स, फिर इसको इसके साथ तो प्लस आपका हो जाएगा डी, समझ गए। और अब क्या कीजिए, तो अब आप 1 बराबर पहले x क्यूब ले लीजिए, तो यहां से आपका a मिल जाएगा, और देखिए x क्यूब कहां है, x क्यूब यहां है, तो यहां से आपको मिल जाएगा c, x स्क्वायर ले लीजिए बाजू में, तो यहां से माइनस a, यहां से प्लस b, यहां से माइनस टू सी, और यहां से आपको मिल जाएगा प्लस d, x कॉमन ले लीजिए, यहां से आपका हो जाएगा 4a, और x आपको इधर तो नहीं मिलेगा, यहां से आपका हो गया c, और यहां से आपका हो गया माइनस 2d, दिख रहा है यहां तक, बिल्कुल दिख रहा है। और अब कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, तो कांस्टेंट टर्म यहां से माइनस 4a, ठीक है, और यहां से आपका हो गया प्लस 4b, ठीक है, और यहां से बाबू आपका हो गया d, ठीक, यहां आपका हो गया d। और अब क्या कीजिए, तो अब आप दोनों तरफ x के समान पावर के कोफिशिएंट को बराबर कर दीजिए, यानी कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x बोथ साइड, हाँ, तो देख लीजिए बाबू, x क्यूब का कोफिशिएंट यहां पर a प्लस c है, और उस तरफ आपका x क्यूब है नहीं, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए यहां से x स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस a प्लस b माइनस टू सी, माइनस टू सी
प्लस डी और उस तरफ x स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट 0 हो गया। यहां से आपका कितना हो गया x का कोफिशिएंट 4a प्लस सी माइनस 2d, उस तरफ x नहीं है तो आपका हो गया 0, यहां पर आपका हो गया माइनस 4a प्लस 4b प्लस डी और उस तरफ आपका कांस्टेंट है 1, तो ये आपका हो गया बाबू 1। और अब देखिए तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए सॉल्व करने का आपका क्या तरीका होगा। याद रहे कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बी मालूम है, समझ गए, तो बी मालूम है तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। हम लोग 2 नंबर तक दिए हैं, यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसको बल के समीकरण आप मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, 4, 5 और ये आपका हो गया 6, समझ गए। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप कीजिए कि नंबर 3 को आप सॉल्व कीजिए, 3 इंप्लाइज, तो यहां से आपका बाबू a बराबर कितना हो जाएगा माइनस सी, समझ गए, a बराबर आपका हो गया माइनस सी और इसका वैल्यू आप रख दीजिए, तो किस में रख दीजिए, आप 4 में रख दीजिए, तो 4 इंप्लाइज, तो a बराबर है माइनस सी, तो माइनस a बराबर सी हो गया, प्लस बी, बी आपका 1/5 है, 1/5 हो गया, माइनस 2c, डी भी नहीं मालूम है, डी रहने दीजिए, तो देखिए तो आपको क्या मिल गया, तो माइनस 2c और c मिलके माइनस सी प्लस 1/5 प्लस डी बराबर 0, और यहां से d मिल जाएगा, ये आपका उधर जाएगा, तो c आपका हो गया प्लस माइनस 1/5, तो d को हम लोग c में वैल्यू निकाल लिए। और अब देखिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, तो अब आप यूज कीजिए, समझ गए, इसका यूज कीजिएगा, तो अब 5 का यूज कीजिए, 5 इंप्लाइज 4a, a के जगह पे आपका कितना है, तो माइनस सी है, प्लस सी, तो सी को सी रहने दीजिए, माइनस 2 डी है, समझ गए, तो डी के जगह पे आप रख दीजिए सी माइनस 1/5 बराबर आपका हो गया 0। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ सी में आपका आ रहा है, तो सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा माइनस 4c प्लस सी माइनस 2c माइनस गुनी माइनस प्लस 2/5 बराबर 0, तो माइनस 4c और माइनस 2c माइनस 6c और प्लस सी, तो माइनस 5c उस तरह भेज दीजिए, तो माइनस 2/5 माइनस माइनस आपके कैंसिल, तो c बराबर हो गया आपका 2/25, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग c का भी वैल्यू निकाल लिए, और c का वैल्यू निकाले तो आपका a भी निकल सकता है, तो देखिए तो अब क्या मिलेगा आपका, लिखिएगा therefore a बराबर माइनस सी है, तो माइनस 2/25 आपका हो गया, यहां तक दिख रहा है, ठीक है, तो a मालूम चल गया, b मालूम है, c मालूम है, क्या नहीं मालूम है, d, तो d का मान यहां से निकाल लीजिए, अब d बराबर है c माइनस 1/5, तो आपका क्या हो गया, तो d बराबर c, तो c आपका निकला है 2/25, 2/25 माइनस 1/5, तो आपका 25 एलसीएम, 2 माइनस 25, तो 5, यानी कि d बराबर माइनस 3/25, इस प्रकार से आप a b c d सब का मान आप निकाल दीजिए, ठीक है, और अब ये सब का वैल्यू हम लोगों को रखना है 1 में, लेकिन पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैं एबीसीडी का मान एक साथ लिख दिया हूं और इसका वैल्यू अब आप 1 में रख लीजिए, तो 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 1 इंप्लाइज 1/x माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 बराबर a, a के जगह पे माइनस 2/25 x माइनस 1, b, b के जगह पे 1/5 x माइनस 1 का स्क्वायर c,
तो c के जगह पे 2/25x और d के जगह पे नेगेटिव 3/25/x²+4। और अब इसी को हम लोगों को करना है इंटीग्रेट। तो therefore i बराबर कितना हो गया, इसको लिख लीजिए, तो -2/25x-1 + 1/5x-1² +। तो प्लस यहां पर आप 1/25 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x-3/x²+4 हो गया। और साथ में बाबू आप दे दीजिए dx। और अब जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं आप डायरेक्ट कीजिए, जिसका नहीं जानते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब आपका आई बराबर -2/25 इसका log x -1 हो जाएगा, +1/5 इसका x पे पावर -2, तो x -1 पे पावर -2 + 1/-2 + 1 +1/25 बाहर, और आपका हो गया 2x-3/x²+4 और आपका हो गया dx। तो अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो i बराबर -2/25 और log x -1 प्लस ये -1 बचेगा तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए इसे, 1/5 ऊपर भी -1 बचेगा तो नीचे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना x-1 + 1/25 और इससे मान लीजिए आप i1, जहां पर i1 को आपको फर्दर इंटीग्रेट करना है, where i1 बराबर इंटीग्रेशन 2x-3/x²+4 और हो गया dx। और अब इसका तरीका आप जानते, हाँ यहां तक दिख गया है। अब इसका तरीका क्या है कि अब इसको ऊपर वाले को आप पुट करते हैं, हालांकि हम लोग बिना उस प्रोसेस को किए भी इसको बना सकते हैं, समझ गए, लेकिन क्या है कि उसमें ज्यादा कंसेप्ट लगेगा, यदि आपका बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बना सकते हैं, नहीं तो बेहतर है कि फॉर्मूला यूज कीजिए, किसी भी तरह का सवाल आप इसे सॉल्व कर जाइएगा, हाँ सॉल्व इसे कर पाइएगा। तो देखिए तो पुट करने के क्या तरीका है, पुट 2x-3 बराबर लेमडा इंटू d/dx ऑफ नीचे वाला प्लस आपका म्यू, यानी कि 2x-3 बराबर लेमडा 2x हो गया प्लस आपका म्यू, तो x के बाजू में आपका है 2 लेमडा और यहां पर है आपका 2 और म्यू बराबर आपका हो गया -3, कहने का मतलब है लेमडा बराबर 1 एंड म्यू बराबर आपका हो गया -3 और यहां पर आप इसको वैल्यू रख दीजिए, तो 2x-3 बराबर लेमडा, तो लेमडा की जगह पे 1, 2x और म्यू की जगह पे -3 आ गया वही, समझ गए, भले आपका यहां पर सेम चीज आ गया लेकिन ये कंसेप्ट आपको सीखना जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी तरह का सवाल रहे, यहां पर तो सेम आ गया ना, ये एक आपका जो है ना पार्टिकुलर केस था जिसमें सेम आ गया, सब में ऐसा नहीं आता, समझ गए बच्चों। तो अब आप i1 को कैसे लिखिएगा, चीज तो वही हो गया 2x/x²+4 - 3/x²+4 और आपका हो गया dx। अब देखिए अब दोनों को पहले आप अलग अलग कर दीजिए, तो i1 बराबर इंटीग्रेशन 2x/x²+4 dx - 3 कॉन्स्टेंट बाहर और dx/x²+ इसे आप लिख सकते हैं 2² समझ गए। तो अब देखिए तो यहाँ पर तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो लगेगा आपका ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx/x²+a²=1/a tan इनवर्स x/a। और इसमें क्या कीजिए, इसको पुट करने से ऊपर वाला आ जाता है तो आप इसे d में घुसा दीजिए, तो i1 बराबर आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन d में घुसा दीजिए x²+4/x²+4 - 3 दिख रहा है, और इसको आप 1/a यानी कि 1/2 और आपका हो गया 10 भर
x by a, ठीक है। और अब देखिए तो यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका i1 बराबर क्या हो गया बाबू, i1 बराबर ये log का फॉर्मेट है, तो log x square plus 4 और यहां तक देखिएगा, यहां लिख देता हूं मैं minus 3 by 2 और tan inverse x by आपका हो गया 2, समझ गए बच्चों, इतना हो गया। और अब आपको एक्चुअल में लिखना था i, समझिए एक्चुअल में क्या लिखना था i, तो i में यहां पर i1 का वैल्यू रख दीजिए, जगह तो यहां पर नहीं है। तो बच्चों अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं कहूंगा कि एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहां पर दो तीन लाइन में मिटाकर आपको इसे बता दूंगा। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब जाइए मैं यहां पर दो तीन लाइन मिटाकर आपको बता देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखिए। इतना में आ जाना चाहिए। तो अब आपका हो गया therefore i बराबर minus 2 by 25 log x minus 1 minus 1 by 5 x minus 1 plus 1 by 25 और i1, i1 आपका यहां पर है, तो कितना है तो log x square plus 4 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और minus 3 by 2 tan inverse x by 2। और अब जो है कि एक आप constant दे दीजिए और देखिए इसको solve कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो आपका i बराबर minus 2 by 25 log x minus 1 minus 1 by 5 x minus 1 प्लस 1 बाय 25 और लॉग x स्क्वायर प्लस 4 और फिर माइनस 3 बाय 25 गुनी 50 और 10 वर्स x बाय 2 प्लस c। तो पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि आंसर यही है या फिर हो सकता है कि 25 इसमें कॉमन लिया होगा, मैं एक बार आंसर को मिला लेता हूं। तो बाबू ये आपका माइनस 1 बाय 5 एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 बाय 25 ये वाला है, माइनस उसके बाद प्लस आपका कितना है, तो प्लस है आपका 1 बाय 50 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका उल्टा आ रहा है, क्यों उल्टा आ रहा है, अच्छा मैं अभी चेक कर लेता हूं, ऐसा नहीं आना चाहिए उल्टा। और बाबू फिर है आपका फिर है 1 by 50 x square plus 4, ये कुछ इसमें उल्टा लग रहा है, समझ गए, इसमें कुछ उल्टा लग रहा है, तो ये उल्टा लग रहा है बाबू, जरा से मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है। मैं एक्चुअली मैं जिस बुक से बना रहा था उस बुक में वो आंसर में कुछ मिस कर दिया है, मैं अदर बुक से वेरीफाई किया और अदर बुक से वेरीफाई करने में बिल्कुल ही आपका यही आंसर है, ठीक है। तो यदि किन्हीं के पास आपका टीच योर सेल्फ होगा तो टीच योर सेल्फ का आप आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें जो आंसर है वो गलत है। और फिर जो है कि मैं लालजी प्रसाद से मैं आंसर मिलाया और लालजी प्रसाद में बिल्कुल ही आपका यही आंसर है, ठीक है। तो जिनके पास टीच योर सेल्फ दास गुप्ता का बुक होगा वो कृपया इस आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए अब आप इसका फाइनली एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन का हम लोग बनाते हैं। 1 बाय एक्स पे पावर 4 प्लस 1, इस चीज को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा और आपको अपना कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखिए कंसेप्ट यूज क्या कीजिएगा, आई बराबर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1
बाय एक्स पे पावर 4 प्लस 1 डीएक्स। ऐसा करने से देखिए तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, समझ गए, एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल, बल्कि आप इसे माइनस वन कर दे, इसे प्लस वन नहीं बल्कि माइनस वन कर दे, और देखिए तो बाबू प्लस वन यहाँ पर बच गया, माइनस गुनी माइनस आपका प्लस वन, वन और वन टू, तो ऊपर दो फालतू का आ गया, जबकि ऊपर तो दो था नहीं, तो इसलिए उस दो को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप दो से इसे भाग दे दें, और अब आपका हो जाएगा वन बाय टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स पे पावर फोर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स पे पावर फोर प्लस वन, और आपका हो गया डी एक्स, यानी कि आई बराबर वन बाय टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स पे पावर फोर प्लस वन डी एक्स माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स पे पावर फोर प्लस वन डी एक्स। और अब आपको समझ गए, अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इस प्रकार से देखें, आई बराबर वन बाय टू, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ तो वन बच जाएगा, समझ गए, यहाँ से आपका क्या बच गया, तो आपका बच गया वन, और यहाँ से बाबू आपका हो जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर वन बाय आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, साथ में आपका डी एक्स माइनस वन बाय टू, सेम काम यहाँ पे कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन, वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे यदि आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साथ में आपका हो गया डी एक्स। इस प्रकार से ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, आई बराबर वन बाय टू इंटीग्रेशन वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बाय, और अब देखिए यहां पर, अब यहां पर आपको एक गेम खेलना है, गेम क्या खेलना है कि यदि ऊपर प्लस रहे तो नीचे आपको माइनस में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और यदि ऊपर माइनस रहे तो नीचे आपको मतलब अपोजिट साइन में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को बनाते हैं, तो यहां पर क्या कीजिएगा, तो यहां पर इस प्रकार से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू, समझ गए, टू एक्स इंटू वन बाय एक्स, देखिए क्या किया हम लोग, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसलिए दिए क्योंकि ऊपर प्लस है, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस टू फालतू को हो गया है, प्लस टू दे दीजिए dx माइनस वन बाय टू, इसको सॉल्व कीजिए, वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर बाय ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर है, ऊपर प्लस है ना, ऊपर माइनस है तो नीचे आपको प्लस में बनाना पड़ेगा, तो प्लस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स, इससे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पर भी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया, समझ गए बच्चों, x x कैंसिल तो आपका प्लस टू फालतू का हो गया, तो आप माइनस टू दे दीजिए, और अब समझिए कि आपका सवाल बन गया, अब क्या बन गया, यहाँ पर देखिए आई बराबर वन बाय टू इंटीग्रेशन वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बाय ये आपका परफेक्ट स्क्वायर, तो x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका जो है ना टू है ना, तो इसको रूट 2 का होल स्क्वायर आप दे सकते हैं, dx माइनस 1 बाय 2, यहां पर आपका 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर बाय ये आपका प्लस में बन जाएगा, x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर, और ये माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और आपका हो गया dx। अब देखिए बच्चों इससे क्या फायदा हुआ, यदि आप ये चीज कूटते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा, बोलिए कैसे, x का 1 और माइनस 1 बाय x का, ऐसे 1 बाय x का माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यहां पर देखिए x पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x का 1 और 1 बाय x का माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो जिसको पुट करते हैं उसको लिखते हैं और उसी को हम लोग d में भी घुसाते हैं, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा 1 बाय 2 इंटीग्रेशन d में घुसा दीजिए क्या x माइनस 1 बाय x,
और बटे में x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर माइनस वन बाय टू डी में घुसा दीजिए x प्लस वन बाय एक्स बाय x प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए, x का वन वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर बिल्कुल आ गया, x का वन और माइनस वन बाय एक्स का प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए कौन सा फॉर्मेट हो गया, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। और यहां पर डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन बाय टू ए लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए बिल्कुल दिख रहा है यहां पर। और इसी दोनों फॉर्मूला को आप यहां पर लगा दीजिए, तो बाबू i बराबर 1 बाय टू, अब इसको 1 बाय ए ए के जगह पे है रूट टू और टेन वर्स x, x के जगह पे है आपका ये वाला x माइनस वन बाय एक्स बाय ए, ए के जगह पे है आपका रूट टू माइनस वन बाय टू, वन बाय टू ए, वन बाय टू ए, ए के जगह पे है आपका रूट टू और log x, x के जगह पे है x प्लस वन बाय एक्स माइनस ए, ए के जगह पे है रूट टू बाय x प्लस वन बाय एक्स प्लस आपका हो गया रूट टू बिल्कुल दिख रहा है। और साथ में एक कॉन्स्टेंट आपका c। और अब बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो i बराबर वन बाय टू रूट टू और टेन इनवर्स ये गुणा कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस वन बाय रूट टू एक्स माइनस वन बाय ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना फोर रूट टू और लॉग एलसीएम ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस प्लस वन, ठीक है प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है। और प्लस आपका हो गया सी और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। पहले मैं इसको एक बार मिला लेता हूं फिर मैं कुछ बात आपको बोल दूंगा, तो मुझे मिलाने दीजिए, मुझे मिलाने दीजिए इसके आंसर। बिल्कुल सही है, समझ गए। तो अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो बच्चों मैं इसके बारे में ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो है ना ये वाला जो फॉर्मेट है 1 by x पे पावर 4 प्लस 1 आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं, समझ गए। और पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से आप बनाइएगा तो एक तो ये काफी लेंदी होता है और एक दो स्टेप आपको याद रखना पड़ता है और वह काफी टफ स्टेप है, इसीलिए मैं इस चीज को पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं बनाकर मैं किसी और मेथड से बना दिया। और आंसर वेरी करेगा, थोड़ा सा आंसर वेरी करेगा, यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन से बनाते हैं तो आंसर का फॉर्मेट कुछ और होगा और इस मेथड से बनाए हैं तो आंसर का फॉर्मेट आपका ये हल्का से वेरी करेगा। याद रहे कि इंटीग्रेशन में यदि आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है तो आंसर का फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अक्सर इंटीग्रेशन में ऐसा हो जाता है, ठीक है। आइए अब मैं कुछ और क्वेश्चन को बनाता हूं, आइए एक हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं, क्या है कि 1 by x into x square plus 1 का होल क्यूब है और इस चीज को करना है इंटीग्रेट। तो देखिए बाबू ये तो आपका नीचे वाला लीनियर है, ठीक, और ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक पे पावर कितना है तो क्वाड्रेटिक पे पावर 3 है। तो इसको पुट करने का पहले मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे इसे पुट कीजिएगा। तो ये जो है पुट 1 बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब बराबर ये लीनियर है इसके लिए a बाय एक्स ये क्वाड्रेटिक है और तीन बार रिपीट कर रहा है तो क्या तरीका हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन फिर आपका डी एक्स प्लस ई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब, समझ गए, इतना बड़ा ये आएगा। और इसको अब सॉल्व करने में हम लोगों को जो है पसीना छूट जाएगा। ये जो है यदि आप इसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व तो होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन सॉल्व होगा और छूट जाएगा पसीना, तब क्या कीजिएगा। जब ऐसा हो जाए ना तो थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना। हम लोग इस मेथड को फॉलो ही नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और करेंगे। क्या करेंगे, तो जिसके वजह से दिक्कत हो रही है आप उसी को पुट कर दीजिए, यानी कि पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका जो है इसको इस तरफ लेते आइए, समझ गए, इस तरफ लेते आइए, तो आपका जो है कि dx, dx बराबर हो जाएगा dt by 2x, समझ गए, dx बराबर कितना हो गया dt by 2x, और अब लिखिए therefore i बराबर इंटीग्रेशन dx, तो ये dt by 2x हो गया by x स्क्वायर रहने दीजिए, समझ गए, और इसको आपने t लिया है तो ये हो गया आपका t2, यानी कि i बराबर आपका ये 1 बाय 2 बाहर हो गया dt बाय यह x और यह x, यह आपका सिर्फ x है, x स्क्वायर नहीं है, मिल के आपका हो गया x स्क्वायर इनटू कितना हो गया t2। तो अब आप इसको लेते आए t के फॉर्मेट में, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक x आपका हटा नहीं, x आप यहां से हटा दीजिए, यहां से x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा t माइनस 1, अच्छा से लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है, यहां से x स्क्वायर बराबर t माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि i बराबर 1 बाय 2 इंटीग्रेशन dt बाय t माइनस 1 और आपका हो गया t2। और अब देखिए प्यारे बच्चों बहुत आसान हो गया, यह लीनियर है और यह भी लीनियर है, और लीनियर ये आपका रिपीटेड है, अब लेकिन आसानी से बनेगा, आइए बनाइए, समझ गए। तो अब आपको क्या पुट करना है, पुट 1 बाय t माइनस 1 इंटू टी क्यूब बराबर a बाय t माइनस 1 प्लस b बाय t c बाय t स्क्वायर d बाय t क्यूब, ठीक है, यही फॉर्मेट आया, लेकिन इतना लेंदी नहीं आया, fx g तक आ गया था, यहां पर वैसा लेंदी नहीं आया। आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1 बाय t माइनस 1 इंटू टी क्यूब बराबर t माइनस 1 और t क्यूब एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों खत्म, तो एक t क्यूब और एक t खत्म, तो b t माइनस 1 इंटू t स्क्वायर खत्म, c t माइनस 1 इंटू t बच जाएगा प्लस t क्यूब खत्म, यानी कि d t माइनस 1 हो गया। और अब इसको आप काट दीजिए, 1 बराबर a t क्यूब प्लस b, इसको ये कितना हो गया बाबू, तो t माइनस 1 इंटू t स्क्वायर c t माइनस 1 इंटू t d t माइनस 1। और ऐसा कीजिए, कहीं से हम लोग अभी नंबरिंग किए नहीं है, तो इसका नंबर आप दे दीजिए 1 और इसको आप ले लीजिए 2। और अब देखिए तो पुट करना है, सबसे पहले a का नीचे जो है पुट t माइनस 1 बराबर 0, दैट इज t बराबर 1 इन टू, तो 1 बराबर ये 1 पुट कीजिएगा, तो a t माइनस 1 0 है, t माइनस 1 0 है, t माइनस 1 0 है, यानी कि a बराबर आपको मिल गया 1। और अब देखिए तो क्या पुट कीजिएगा, और अब b के नीचे वाला पुट कीजिए, पुट t बराबर 0 इन टू, तो ये तो 1 है बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, t ये भी 0 खत्म, t ये भी 0 खत्म, यहां पर आप 0 रखें तो माइनस डी बचेगा, माइनस डी दैट इज t बराबर माइनस 1। और अब जो है ना c या d के नीचे पुट कीजिएगा तो वो ऑलरेडी t है जो कि आप पुट कर चुके हैं, तो अब इसके लिए आपको 2 को और सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कीजिए, 2 implies 1 बराबर a t क्यूब प्लस ये b t क्यूब हो जाएगा,
बी टी क्यूब माइनस बी टी स्क्वायर, बी टी स्क्वायर ये आपका हो गया प्लस कितना सी टी स्क्वायर माइनस सी टी प्लस डी टी माइनस डी, यानी कि 1 बराबर टी क्यूब कॉमन यहां से ए और यहां से प्लस बी, टी स्क्वायर कॉमन यहां से माइनस बी और यहां से सी, टी कॉमन यहां से माइनस सी और यहां से डी, और फिर माइनस बी तो आपका अकेला है, और दोनों तरफ टी के समान पावर के कोफिशियंट को बराबर कर लीजिए। इंप्लाइज ए प्लस बी, टी क्यूब का कोफिशियंट है इधर तो है नहीं, जीरो के बराबर हो गया, और वैल्यू आप किसका निकाले हैं तो ए का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो ए आपका 1 है प्लस बी बराबर 0, तो बी बराबर माइनस 1, ए मालूम है, बी मालूम है, डी नहीं मालूम है, सी नहीं मालूम है ना, तो आप यहां से सी को मालूम कर लीजिए, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस बी प्लस सी, और अगर टी स्क्वायर नहीं है तो 0 हो गया, तो बी के जगह माइनस 1, तो 1 प्लस सी बराबर 0, यानी कि सी बराबर कितना हो गया, तो सी बराबर हो गया माइनस 1, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैं यहां पर वैल्यू इसको रख देता हूं, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं क्या क्या आया, तो ए बराबर है बाबू आपका ए बराबर 1, ठीक, बी बराबर आपका है माइनस 1, सी बराबर है आपका माइनस 1, ठीक है, सी बराबर है आपका माइनस 1, और डी बराबर भी आपका है माइनस 1, ठीक है। और अब बच्चों क्या कीजिए कि पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां पर इसका मान रखकर, हाँ यहां पर मैं इसका वैल्यू रखकर फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब देखें सबके वैल्यू रख देते हैं, तो 1 इंप्लाइज कितना 1 बाय t माइनस 1 t क्यूब बराबर a, a आपका आया 1, 1 बाय t माइनस 1, b आपका माइनस 1 है, c माइनस 1 है और d भी माइनस 1 है, और अब क्या कीजिए तो अब आप इंटीग्रेट कीजिए, therefore i बराबर आप इसी को इंटीग्रेट करने के लिए चले थे और इसका वैल्यू इतना आ गया, यानी कि 1 बाय टी माइनस 1 माइनस 1 बाय टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी क्यूब और आपका हो गया डी टी, ठीक है, और यहां पर 1 बाय 2 है तो आप 1 बाय 2 भी ले लीजिए, तो अब देखें i बराबर 1 बाय 2 इसका कितना log t माइनस 1 माइनस log t माइनस t पे पावर आपका माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 यानी कि ये आपका प्लस 1 बाय टी, यानी कि 1 बाय टी स्क्वायर का माइनस 1 बाय टी होता है, और माइनस t पे पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 बाय आपका माइनस 2 और प्लस आपका हो गया c, समझ गए, प्लस आपका हो गया प्यारे बच्चों c, और अब आपको क्या करना है, तो आपको जो है t का वैल्यू रख देना है, t के जगह पे x स्क्वायर प्लस 1 है, तो लिखिएगा therefore i बराबर 1 बाय 2 log t माइनस 1, t माइनस 1 का मतलब x स्क्वायर होगा, log x स्क्वायर माइनस log t का मतलब x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय t यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस माइनस भी नहीं माइनस प्लस 1 बाय 2 और t स्क्वायर नीचे आ जाएगा यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, हाँ प्लस c, तो एक बार मैं मिला लेता हूं कि आंसर यही है या फिर इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, समझ गए, इसको log का फॉर्मूला लगाकर इसको हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, तो एक बार पहले मैं आंसर मिला लेता हूं, समझ गए बच्चों, यदि ये आपका लॉग यही अलग अलग दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो एक फॉर्मूला में लगा कर इसे एक लाइन और इसे बढ़ा सकता हूं, मैं मिला लेता हूं क्या है आंसर, तो
हाँ बिल्कुल, जो मैं बोल रहा था बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, ठीक है, क्या क्या है तो आप जानते हैं, आई बराबर क्या हो जाता है, वन बाय टू, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। और फिर प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, दो से गुना भी कर लीजिए साथ में, और इसको आप कहिएगा तो वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस दो ऑलरेडी है तो वन बाय फोर, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। और अब ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। और ये आपका, ये आपका ठीक, बिल्कुल ये आपका ठीक, ठीक है बच्चों। तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बाय वन प्लस थ्री ई पे पावर एक्स प्लस टू ई पे पावर टू एक्स, और इसको हम लोग बनाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो सबसे पहले ई पे पावर एक्स को आप कुछ मान लीजिए, क्या मानिएगा, लेट ई पे पावर एक्स बराबर टी, और जब आप मानिएगा तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स डी टी बाय डी एक्स, तो डी एक्स बराबर डी टी बाय ई पे पावर एक्स, यानी कि डी टी बाय ई पे पावर एक्स का मतलब हो गया टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स यानी कि डी टी बाय टी बाय वन प्लस थ्री टी प्लस टू ई पे पावर एक्स टी है, और यहाँ पर पावर में दो है तो कितना हो जाएगा, टू टी स्क्वायर। और अब आप क्या कीजिए, तो डी टी बाय टी टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस आपका हो गया वन। और अब देखिए तो इसका आपका फैक्टर बनेगा कि नहीं, फैक्टर बन जाएगा, दो एक कम दो, दो एक तीन, बिल्कुल फैक्टर बनेगा। तो आई बराबर आपका डी टी बाय टी टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस टी प्लस आपका हो गया वन, और I बराबर आपका हो गया डी टी बाय टी, यहां से टू टी कॉमन, टू टी कॉमन, तो टी प्लस वन, वन कॉमन, टी प्लस वन, यानी कि I बराबर डी टी बाय टी टी प्लस वन, टू टी प्लस वन। और अब जो है कि ये सब का सब आपका लिनियर में हो गया है, अब इसे हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो पुट कीजिए, पुट वन बाय टी टी प्लस वन टू टी प्लस वन बराबर ए बाय टी प्लस बी बाय टी प्लस वन प्लस सी बाय टू टी प्लस वन, नाम इसका एक दे दीजिए, तो वन बाय टी t प्लस वन टू टी प्लस वन बराबर एलसीएम ले लीजिए, तो t t प्लस वन टू टी प्लस वन टी टी कैंसिल, तो t प्लस वन टू टी प्लस वन इंटू ए प्लस बी ये कैंसिल, तो t टू टी प्लस वन प्लस सी ये कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा T और T प्लस वन, T और T प्लस वन। और अब ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो वन बराबर T प्लस वन टू टी प्लस वन इंटू ए प्लस बी टी टू टी प्लस वन प्लस सी टी टी प्लस वन, और इसे आप मान लीजिए दो। और अब एक एक करके पहले टी के नीचे वाले को जीरो पुट कीजिए, पुट
टी बराबर जीरो इन टू, तो वन बराबर यहां पर जीरो रखिएगा, वन और वन यानी कि ए बचेगा, टी जीरो खत्म, ए बराबर आपका वन। फिर पुट कीजिए, पुट टी प्लस वन बराबर जीरो इन टू, तो आपका टी प्लस वन जीरो ये खत्म, वन बराबर ये आपका यहां पर ऐसा कर लीजिए ना, दैट इज टी बराबर माइनस वन इन टू, तो टी माइनस वन माइनस दो जोड़ एक माइनस दो जोड़ एक माइनस एक और टी के जगह माइनस एक, माइनस गुनी माइनस प्लस एक यानी कि बी बचेगा, बी के जगह पे आपका हो गया वन। फिर पुट कीजिए, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। फिर सी के नीचे वाला यानी कि टू टी प्लस वन बराबर जीरो, दैट इज टी बराबर माइनस हाफ इन सेकेंड, तो देखिए बच्चों क्या बचेगा आपका, तो ये टू टी प्लस वन खत्म, टू टी प्लस वन खत्म यानी कि वन बराबर सी, और टी है टी के जगह पे माइनस हाफ, और फिर टी के जगह माइनस हाफ प्लस वन, समझ गए, माइनस हाफ प्लस वन, तो हाफ बच जाएगा वन बाय टू यानी कि माइनस सी बाय फोर हो गया, समझ गए, माइनस सी बाय फोर, तो सी बराबर कितना हो गया माइनस फोर। इस प्रकार से ए बी सी का मान आपको मालूम चल गया, चल गया, तो आइए अब लिखिए आपका क्या हो गया, देयरफोर वन इंप्लाइज वन बाय टी, टी प्लस वन टू टी प्लस वन बराबर ए बाय टी, एक जगह वन, वन बाय टी ठीक है, प्लस बी बाय टी प्लस वन, बी के जगह पे वन है, वन बाय टी प्लस वन, दिख रहा है ना, दिख रहा है, और सी के जगह माइनस फोर है, तो माइनस फोर बाय टू टी प्लस वन हो गया। देयरफोर आई बराबर आप इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वन बाय टी प्लस वन बाय टी प्लस वन माइनस फोर बाय टू टी प्लस वन और डी टी, तो ये हो गया log t प्लस log t प्लस 1 माइनस 4 log 2t प्लस 1, समझ गए, 2 दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है, और t के कोफिशियंट से भाग दे दीजिएगा, तो t का कोफिशियंट 2 है, तो आप 2 से भाग दे दीजिए प्लस t, ये दो बार में आपका कट भी गया, तो i बराबर log t, t के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, तो t के जगह पे e पे पावर x प्लस log e पे पावर x प्लस 1, दिख रहा है यहां तक दिख रहा है, माइनस 2 log 2 e पे पावर x प्लस 1 प्लस c। देखिए log यहां पर बेस कुछ नहीं तो बेस e है, तो ये पावर आपका क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा, और log e ऑन द बेस e आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि ये अकेला आपका बचेगा x प्लस log e पे पावर x प्लस 1 माइनस 2 log 2 e पे पावर x प्लस 1 प्लस c। और प्यारे बच्चों पहले मैं इसका एक बार आंसर मिला लेता, ठीक है बच्चों बिल्कुल सही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स पर साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स, तो कैसे होगा बच्चों, आई बराबर डी एक्स बाय साइन एक्स, और साइन टू एक्स को टू साइन एक्स इंटू आप कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो डी एक्स बाय साइन एक्स कॉमन, तो क्या बच जाएगा वन प्लस 2 cos x, और इस sin को भी हम लोगों को cos बनाना है, तो sin को cos बनाने के लिए आपको sin square रहेगा, तब ना आप formula लगाइएगा, तो ऊपर नीचे sin से आप गुना कर दीजिए,
तो I बराबर साइन एक्स डी एक्स बाय आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस टू कॉस एक्स, और आप इसे लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वन प्लस टू कॉस एक्स, और अब ये आपका आई बराबर हो गया साइन एक्स डी एक्स बाय वन माइनस कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन प्लस टू कॉस एक्स। और अब बच्चों कॉस एक्स पुट कीजिएगा तो साइन एक्स आ जाएगा, पुट कॉस एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाय डी एक्स, यानी कि साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, देयरफॉर आई बराबर साइन एक्स डी एक्स यानी कि माइनस डी टी बाय ये आपका कितना हो गया वन माइनस टी, समझ गए वन माइनस टी, ये कितना दी वन प्लस टी, और ये कितना हो गया वन प्लस टू टी, इस माइनस को यहां से गुना कर दीजिए तो आई बराबर डी टी बाय टी माइनस वन हो जाएगा टी प्लस वन और टू टी प्लस वन। और अब प्यारे बच्चों देख लीजिए कि ये आपका लीनियर फैक्टर है सबका सब, और अब आप यहां से इसको बना लीजिएगा, समझ गए, और बनने के बाद में फाइनली आप टी का वैल्यू क्या रख दीजिएगा, तो टी का वैल्यू आप रख दीजिएगा कॉस एक्स। मैं यहां पर आंसू बहा दिया हूं और आंसर को लिख देता हूं, ये आपको बनाना है। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली इसके आंसर आएगा, समझ गए, फाइनली इसका आंसर आएगा आई बराबर वन बाय सिक्स लॉग वन माइनस आपका हो गया कॉस एक्स प्लस वन बाय टू लॉग वन प्लस कॉस एक्स और माइनस टू बाय थ्री लॉग वन प्लस टू कॉस एक्स आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा मैं यहाँ पे लिख दिया, वन बाय सिक्स लॉग वन माइनस कॉस एक्स प्लस वन बाय टू लॉग वन प्लस कॉस एक्स माइनस टू बाय थ्री लॉग वन प्लस टू कॉस एक्स प्लस सी प्लस आपका सी आएगा। अच्छा ऐसा कीजिएगा बाबू, ये चूंकि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मेट है ना, तो इसको आप वही वाला फॉर्मेट रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए तो 1 माइनस ये ऊपर वाला ही फॉर्मेट रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आंसर भी देख लीजिए इसी फॉर्मेट में है, बस t के जगह पे cos x लिख दिया है, इसी फॉर्मेट में है, तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और जो है कि हाँ समझ गए ना, यहाँ पर मैं वापस क्यों चेंज कर दिया, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आंसर का फॉर्मेट 1 माइनस cos x यानी कि 1 माइनस t है, यहाँ पर भी 1 माइनस t है, तो यही फॉर्मेट रहने दीजिएगा, तो इसी पर आपको यह बना लेना है और ये आपका हो जाएगा आंसर। आप भी आंसू नहीं बहा दीजिएगा, मैं यहाँ पर आंसू बहा दिया हूँ ताकि आप इसे सॉल्व कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे मैं कई सारे क्वेश्चन को बनाया हूँ, मोटा मोटी हम मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 क्वेश्चन आपका हो गया है, तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, तो मैं इस सेशन को यहीं पे